हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। कैसे हैं आप सब? शानदार, अच्छे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स इको 6, जिसमें टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन। बहुत शानदार पोर्शन है, बिल्कुल एक कनेक्टिंग लिंक है। 11th का पोर्शन और 12th का पोर्शन का बहुत शानदार एक कॉम्बिनेशन है, जिसको अपन आपके सामने डिस्कस करेंगे। और इस में भी काफी अच्छा वेटेज है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार इसका वेटेज है। ये पूरा कनेक्टेड है। क्यों सर? बिल्कुल पूरा कनेक्टेड है इसमें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक पंक्ति आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, उस पे आप देखें, ध्यान दें उस पे। पंक्ति ये है कि जिंदगी अजब तरी परिभाषा है, जिंदगी अजब तरी परिभाषा है, निखर गई तो जन्नत है, बिखर गई तो तमाशा है। निखर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। बात सुनी? और आगे बात है इसमें कि बहुत विकल्प है बिखरने के लिए, पर एक संकल्प ही है संवरने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यदि हमको 2021 मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करना है, तो आज ही से, अभी से आप लगे हुए हैं हालांकि, पर फिर भी अभी और नए जोश के साथ, बिल्कुल हिम्मत के साथ, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और कंसंट्रेट होते हुए स्टडी को जारी रखना है। और इसके निमित्त आपकी अपनी सीएलसी आपके पहले भी साथ थी, अभी भी साथ है और साथ रहेगी, और बहुत शानदार हम लोग काम करने जा रहे हैं। और फिजिक्स इको तो आपके लिए वरदान के रूप में साबित हो रहा है। बहुत शानदार अपने पेपर आ रहे हैं, पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ट है, तो इसका आनंद लें अच्छे से। तो मैं किशोर सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं, मैं निशांत, टीम फिजिक्स, और बहुत यंग डायनेमिक मेरे साथी हैं, जबरदस्त। आपके ये अभी हम आपको जो क्वेश्चन शेयर करेंगे तो उसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात कही कि देखो कि जिंदगी जो है हमारे पास, अगर सवर गई तो जन्नत है। बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी को सवारने के लिए इसी श्रृंखला में जो हमारी टीम फिजिक्स, टीम सीएलसी जो है, वो एक शानदार सीरीज लेके आई है फिजिक्स इको के नाम से, जिसके थ्रू हम कंप्लीट फिजिक्स का यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। 5 वीडियो इससे पहले भी आ चुके हैं, ये हमारा 6वें नंबर का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, ए पॉइंट मास एम इज placed inside a spherical cell of radius capital R and mass capital M at a distance R by 2 from the center of the cell. The gravitational force exerted by the cell on the point mass is. तो सिंपल सा खेल है, क्वेश्चन समझे पहले कि हमारे पास ये कोई स्पेरिकल सेल है, ठीक है, और इस स्पेरिकल सेल का मास हमको दे रखा है कैपिटल M, ठीक है भाई। और आपसे कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से r by 2, इसका रेडियस आपको दे रखा है कैपिटल r, और इसके सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा है स्मॉल m, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां इसमें देखो बहुत कॉमन सी बात आती है, आप इसे पढ़ते हैं f इज इक्वल टू m इनटू ez। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स f इज इक्वल टू q इनटू e, और यही चीज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर f इज इक्वल टू m इनटू b। और इन सब का अपना एक कॉमन सेंस है, आपको मालूम है कि इस वाले फॉर्मूले में मास है क्या, कि वो मास है जिस पर हमको ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करना है, और ये वो फील्ड है जो अप्लाई कर रहा है, यानी ये फोर्स फील करने वाला है, ये फोर्स अप्लाई करने वाला है, ये सेंस आपका सब में अप्लाई होता है। तो यहां भी चार्ज कौन सा है सर, जिस पे फोर्स आपको फाइंड करना है, और ये वो फील्ड है जो यहां फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस तरह से यहां ये आपका पोल स्ट्रेंथ, जिसको अपन कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य हिंदी में, और ये आपका है चुंबक क्षेत्र एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स फील करने वाला और ये फोर्स अप्लाई करने वाला है। तो यहां देखो, हम लोगों को इस स्मॉल एम पे फोर्स लगाना है, तो स्मॉल एम पे फोर्स कौन अप्लाई करेगा, एक सेल अप्लाई करेगा, और आप जानते हैं सेल के अंदर, यानी आपको यहां फोर्स अप्लाई करना है स्मॉल एम पे, तो कोई इशू नहीं, आपने स्मॉल एम ले लिया, पर इजी बेटा यहां कितना है, जहां हमने स्मॉल एम को रखा है वहां तो ग्रेविटेशन फील्ड कितना सर, जीरो, जीरो, तो फोर्स कितना जीरो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके आगे इन तीनों पोर्शन बनते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि कनेक्टिंग लिंक है पूरे के पूरे साइड 11th पोर्शन का और 12th पोर्शन का। तो इसका आंसर सर हमारा कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, थर्ड। बढ़े आगे, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखें, ये है कि टू स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ। दो मास है स्मॉल एम कैपिटल एम,
और वो किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच फोर्स आपका कैपिटल एफ है। और क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इसे कुछ मीडियम करते हैं इंट्रोड्यूस, तो मीडियम की प्रेजेंस में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीडियम पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स है मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी इसको आप समझ पाएंगे, इसका आंसर आपका एफ का एफ ही रह जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मीडियम की परमेबिलिटी और परमिटिविटी की वजह से मीडियम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, बट यहाँ पर मीडियम का कोई रोल नहीं है, इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना है। यस यस, तो बढ़ते हैं आगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो ये है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, दो हमारे पास पार्टिकल हैं इक्वल मास के हैं। जैसे मान लो आप इसमें ये स्मॉल एम मास के दो पार्टिकल मैं लेता हूं, ये दो पार्टिकल्स हैं स्मॉल एम और ये स्मॉल एम। यहां इक्वेशन की दो संभावनाएं बनती हैं, दोनों संभावनाएं अपन लेके चलेंगे, बाकी आगे भी जहां कोई ट्रिक की आवश्यकता होगी आपको ट्रिक दी जाएगी, जहां इसके कॉन्सेप्ट में और संभावनाएं बनेंगे सारी संभावनाएं आपको जाएगी, ताकि आप इसके आसपास के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली नीट को कवर करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन आपका था देखो कि दो हमारे पास पार्टिकल हैं, वो दोनों सेम मास के हैं और रेडियस कैपिटल आर, ध्यान दे देखो ये रेडियस कैपिटल आर मान लो इसका ये सेंटर है और ये आर इसकी रेडियस है, और इस आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं, कैसे म्यूचुअली ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट में ऐसे मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे में एक पार्टिकल की इसमें स्पीड कितनी है, तो यहां इसकी दो संभावनाएं हैं, या तो आपको इसकी रेडियस दे रखी होगी या फिर आपको दे रखा होगा कि दो पार्टिकल हैं, मान लीजिए म्यूचुअली डिस्टेंस कैपिटल आर पे है और फिर ये ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट में सर्कल पे मोशन कर रहे हैं, तो इसकी संभावना, इसके बाद इसकी कोई संभावना नहीं है। और यहां ये बिल्कुल आपका सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या करें आप केवल एक पार्टिकल पे पहले नेट फोर्स निकाल लें, यहां इस पे नेट फोर्स कितना, वो नेट फोर्स ही यहां पर क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। एंड इस प्रकार के प्रश्नों में आप एक पार्टिकल पे पहले नेट फोर्स ज्ञात कर लिया करो और वो नेट फोर्स यहां पर क्या करेगा, एक तरह से अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। तो अब बताइए यहां इसका डिस्टेंस कितना, रेडियस स्मॉल r है, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की d इक्वल टू अपन क्या करते हैं 2r, तो अब इनके बीच यानी यहां फोर्स ये f कितना है, ये अपन निकालते हैं z, देखो f नेट पहले आप निकाल लें, तो f नेट हमारे पास कितना, तो z m into m आपका m square अपॉन कितना हो गया ये 2r in 4r square। और अगर यही बात इसमें आती है, यहां मास इसका स्मॉल m है, ये मास स्मॉल m, डिस्टेंस यहां कितने कैपिटल r आ गई, तो यहां एक पार्टिकल पे नेट फोर्स हमारा कितना हो गया z, ये आपका m square by r square, तो नेट फोर्स में बिल्कुल पता लग गया, अलग आ गया। फिर देखो ये हमने कहा कि f नेट जो होता है वही यहां पे fcp प्रोवाइड करता है। अब FCP है क्या, ये mv square upon r है, ध्यान करें m वो मास है जो सर्कुलेशन मोशन कर रहा है, सर्कल पाथ मोशन कर रहा है, और r यहां पे है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो यहां रेडियस हम लोग कितनी, यहां तो रेडियस आपकी r हो जाएगी, पर इस वाले में रेडियस कितनी हमारे पास r / 2 हो जाएगी, ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस में कोई और अलग से बात नहीं है। तो देखो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो इसका ये हमारे पास आ गया, देखो g m square by 4 r square, f net अपन लिखेंगे, तो m यही मास है small m, इसकी स्पीड आपको निकालनी है m square by r, r यहां पे radius of circular path, ये आपका r हो गया। अब केवल आपको solve करना है, एक m से m उड़ा देते हैं, ये आपका एक r से r cancel हो गया, आपको v निकालना है, इसका कर दो root यहां पर, तो ये 2 यहां से बाहर, तो 1 by 2 into root of g small m by r इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सर अब क्या होगा, हाँ बिल्कुल यहां पे अपन आ चुके, तो देखो इस वाले में अपन यहां से बढ़ेंगे, तो इसमें आपके पास नेट फोर्स कितना था, g m square by r square is equal to, यहां अब देखो बस अंतर है, यहां इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां जो बेसिकली रेडियस है वो हो जाएगी हमारे पास r by 2, क्योंकि ये तो सेंटर हो गया, रेडियस ये कितनी हो गई r by 2, r by 2 yes। तो कुल मिलाकर करना क्या है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि देखा r और बस r को रेडियस ले लिया, आर को पार्टिकल के बीच का सेपरेशन ले लिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो डिवन डाटा है वो किस चीज के लिए। तो यहां पर जो रेडियस है वो r by 2 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स m v स्क्वायर r by yes। क्लियर, तो यहां से अगर सॉल्व करो, m से m गया, r से r गया, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 g m by r, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 g m by r। बिल्कुल, तो फर्क हो गया बस। अब इसका सर जैसे इसका जो मेन कॉन्सेप्ट की पर बात करेंगे, तो एफ नेट इज इक्वल टू आपको एफ सी पी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एफ सी पी हमारे पास कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जो पार्टिकल सर्व कर रहा है उसका मास आपको लेना है, और आर यहां पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और एफ नेट अपन जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है।
यहाँ पे से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टिकल की स्पीड बतानी है, अब इसकी बता या इसकी बता, क्योंकि दोनों की डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों के मास सेम है, आइडेंटिकल है, सिस्टम जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सेम स्पीड से क्या है रोटेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये डिफरेंट होते तो डेफिनेटली दोनों के लिए हम v1 v2 एज्यूम करते, बट वहां ओमेगा सेम होता उनका एंगुलर वेलोसिटी, उससे सारी कैलकुलेशन मिल जाती। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न, और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, गुलाम वाले में भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। बहुत सिंपल है कि दो आपको दे रखे हैं, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस इज एफ। दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, उनकी मास सेम है और उनके बीच फोर्स दे रखा है अपने को कैपिटल एफ। अब कह रहा है इफ 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर ऑब्जेक्ट देन द न्यू फोर्स विल बी। यहां डिस्टेंस के बारे में कुछ कहा नहीं है, उसको आपको मानना है कांस्टेंट। तो देखो सिंपल, अपन कहते हैं कि दो आपके पास पार्टिकल थे, इसका मास मान लो स्मॉल एम है, ये भी आपका स्मॉल एम है, और इनका सेपरेशन अपन डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच फोर्स हमारा हो गया एफ बराबर जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये सिंपल फोर्स है। अब डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो दिमाग में एक पिक्चर सेट हो इसके फटाफट, अभी तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो सिंपल ये, हाँ ये है कि एफ इज एफ परपोज टू आपका है एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू। यदि आपने मासेस को बदला है तो उस केस में इसको एफ डेज अपॉन एफ, तुरंत दिमाग में रखें, एफ डेज अपॉन एफ कितना हो गया एम वन डेज इंटू कौन सा आपका एम टू डेज अपॉन एम वन इंटू एम टू। या तो ऐसे कर लें, अब ये चीजें दिमाग में रखनी है, ये सब लिखनी नहीं है, ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहा हूं। सिंपल रखना है कि m f डेस आपका m1 और m2 के प्रोडक्ट पे यानी गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है। अब मास चेंज कैसे होगे वो देखने हैं। तो देखो आपने कहा कि इसका 25% हम दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 25 पहले बच्चे कई बार क्या समस्या होती है, वो निकाल नहीं पाते सर, इसमें भी गलती कर बैठते हैं। तो यहां इस m का 25% है कितना, m into 25 by 100 यानी 1 by 4 हो गया ना, m by 4। अब यहां इसके पास m मास था जिसमें से m by 4 हम कर रहे हैं ट्रांसफर किसको, दूसरे को, तो m में से m by 4 घटा दूं क्या बचा 3 m by 4, और यहां m plus m by 4 ऐड हो गया तो कितना 5 m by 4 हो गया। तो इजीली आप लोग इसको सीधे भी नहीं लिख दूं, तो m1 days मेरे पास कितना दिखा गया, इसका बचा मास कितना है 3 by 4 m into इसका मास कितना हो गया तो 5 by 4 m अपॉन ये मास, तो आपका m into m ही था ना, ये आपके इससे कैंसिल हो गए तो ये आपका 15 अपॉन 16 आंसर आ गया। तो f डेज बाई f हमारे पास कितना है 15 अपॉन 16, और इससे अगर हम देखेंगे तो f डेज मेरे पास कितना 15 अपॉन ये 16, 15 ये 15 है, ये 15 अपॉन 16 f आपका आंसर आ जाएगा। और ये कुलाम वाले में आपको ध्यान रखना है, वहां f डेज अपॉन f कितना q1 डेज * q2 डेज अपॉन q1 * q2, डायरेक्ट इसको माइंड में रखें, वैल्यू तुरंत दिमाग में बना करके उसको लिखो और आंसर प्राप्त करो, क्यों सर, ठीक है, बढ़िया। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बताएं समान पदार्थ के बने हुए 8 त्रिज्या के दो समान गोलों को एक दूसरे से d दूरी पर रखा गया है, तो इनका गुरुत्वीय आकर्षण बल जो है वो किसके समानुपाती होगा। कि बिल्कुल एक समान एक जैसे गोले दे दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है r, और उनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन जो दे रखा है वो d दे रखा है। चलिए बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो सीधा सीधा सा न्यूटन का लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेज क्या होता है जी एम वन एम टू अपॉन उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से साफ देख सकते हो फोर्स जो है वो डी की पावर माइनस टू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी मिलता है कि वो सेपरेशन भी रेडियस की टर्म्स में दे देगा, है कि नहीं, और रेडियस से प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता है, और मास के बारे में कोई कहानी नहीं करेगा, केवल बोल देगा कि भाई एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तो वहां पर क्या है, हमें मास को भी रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मिलते भी हैं हमें, तो मास को रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ये आपकी बात, उसको थोड़ा सा ऐड कर, देखो जैसे कई बार ऐसा आता है कि दो स्फीयर हमारे पास है, आइडेंटिकल है, सेम मास के हैं, सब एक दिए हैं, जैसे समान पदार्थ के बने, डेंसिटी सेम हो गई, और आपस में क्या संपर्क में, टच में है। अब टच में होता तब हम इसकी रेडियस को डबल करेंगे, तो डिस्टेंस भी आपकी वेरी करेगी, साथ में इनका साइज बढ़ने से मास भी वेरी करेगा। तो इसकी भी देखो मैं सिंपल से एक ट्रिक आपको दिखा दूं, बता दूं देखो कि यहां देखो हमारे पास फोर्स की डिपेंडेंस आएगी, मैं यहां उसको बहुत ही कंसंट्रेट के बता रहा हूं। एक तो है f प्रोपोर्शनल टू देखो 1 / d² डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, फिर
एक है f प्रपोज टू कितनी r की पावर 4, एक हमारे पास इसको भी r की पावर 4 को मैं यहां कर रहा हूं r की पावर 6, और एक है f प्रपोज टू r की पावर 4। ये तीन इसकी संभावनाएं हैं मैक्सिमम जो अपने नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट में इसके बाहर नहीं आएगा। अब कौन सा कब काम में लेना है वो ध्यान से समझना कि मान लो हमारे पास ये कोई स्फीयर है, इनका अपना कोई रेडियस है r, इसका रेडियस r है, इनके बीच का सेपरेशन कितना d है, और d का वैल्यू क्या ज्यादा है किससे, r से, और केवल आपने d में चेंज दे रखा है तो d के चेंज होने से इसके r में इसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, इस सेहत मतलब इसे मोटेता तो होंगे नहीं, तो मास तो कांस्टेंट है, तो ओनली डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे, उस केस में तो आपका f प्रपोज 1/d2 हो जाएगा। परंतु अगर हम लोगों ने इनको कांस्टेंट पे रखा है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे कांस्टेंट रख दूं, कांस्टेंट में अपन रखेंगे उस स्थिति में देखो डिस्टेंस कितना d * 2r हो गया, बिल्कुल ठीक है, और मास भी अपन यहां लेंगे तो मास प्रपोज रो * v से r की पावर कितना 3 के पे डिपेंड करेगा, m अगर r की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा तो m स्क्वायर कितना r की पावर 6 पे आ गया, 6 पे। तो अगर इसी में ध्यान सुना, अगर एक बार थोड़ी सी यहां गलती कर चुका हूं फिर भी आप इसको संभाल लेने दो कि अगर मान लो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना और डिपेंडेंस आपको r में पूछ ली कि r पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, आपको दे रखा है सेपरेशन d, r इनकी रेडियस, और फिर बोला गया कि r को हम डबल करते तो क्या होगा, r को डबल करते तो हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में देखो अगर मैं यहां लिखूं इसको f बराबर ये g m स्क्वायर y कितना d स्क्वायर, d तो मैं रख रहा हूं कांस्टेंट, मैं केवल r बदल रहा हूं, और r इसके हिसाब से अपन देखें तो हमने कहा m r की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है तो r की पावर 6 आ गई। इसलिए इसी पहले वाले क्वेश्चन में ही अगर d को हम चेंज करते हैं तो 1/d2 है, और इस क्वेश्चन में r को अपन चेंज करेंगे तो r की पावर 6 पे डिपेंड करेगा, r को डबल करने में फोर्स आपका 32 गुना हो जाएगा, और अगर ये टच में है और फिर हम लोग इसकी r को डबल करते हैं तब इसकी डिपेंडेंस बिल्कुल अलग आएगी, और वो डिपेंडेंस कौन सी आएगी, तो देखो ये वाला तो कब है, d का मान r से बहुत बड़ा है दोनों केस, d का चेंज ये आंसर, d का चेंज होने दे रखा r का तो अपन ये कर देंगे, और अगर ये संपर्क में रखे हैं तब देखो d के साथ भी आपको खेलना पड़ेगा, और d हमारे पास कितना आएगा 2r, उसका स्क्वायर कितना r का स्क्वायर, यहां r की पावर 6 यहां 2 पावर कम होने पर r की पावर 4 के प्रपोर्शन हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आपको काम में लेना है, क्यों सर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है सर, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि दो बिंदु द्रव्यमान a तथा b, द्रव्यमानों का जो अनुपात दे रखा है वो 4:3 है तथा इनके मध्य की दूरी 1 मीटर, जब कैपिटल m द्रव्यमान के एक अन्य बिंदु c को a तथा b के मध्य रखा जाता है तब a तथा c के मध्य बल b तथा c के मध्य बल का 1/3 गुना है, तो a और c के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना जरा, हमारे पास 2 पॉइंट मास सिस्टम दे रखा है कि दो बिंदु द्रव्यमान, एक ये हो गया a और एक और हो गया हमारे पास b, ठीक है, इनका जो मास है वो 4:3 में, तो ये हो गया 4m, इसको मैं मान लेता हूं 3m, एक बार जरा सा पीछे आइए, हां क्वेश्चन में पीछे आइए, ये और बोला है क्या है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर, अब a एवं b के मध्य रखा जाता है एक तीसरे द्रव्यमान c को, ठीक है, यहां कहीं हमने भाई एक तीसरा द्रव्यमान है c रख दिया m, m डैश मान लो, ठीक है, तो क्या बोला है कि a और c के बीच जो बल लगा, इन दोनों के बीच जो बल लगा है ना FAC, और b और c के बीच में बल लगा होगा मान लो FBC, तो बोला है कि a और c के मध्य लगा बल b और c के मध्य लगे बल का 1/3 गुना है, तो a और c के बीच का जो बल है वो इसके बल का 1/3 गुना है, तो बोला है a और c के बीच की दूरी, ये x दूरी पूछी है, क्लियर, यस, नेक्स्ट स्लाइड करना जरा, हां तो हमें x फाइंड करना है, तो ये सीधा सीधा सा रिलेशन हमें सेटिस्फाई करवाना है, हेल्प कर दो आपकी, बिल्कुल सर, तो FAC आपका बन गया, देखो यहां दो पार्टिकल आपके रखे हैं 4m into m, इसको अपन m डैश कर देंगे और इसको m नोट मान लेता हूं, लिखने में आसान रहेगी, तो देखो आप ये कह रहे थे कि फोर्स आपका ये हो गया आपका FAC / BC, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा डायरेक्ट, चलो FAC का वैल्यू पुट करता हूं पहले, तो ये हो गया आपका 4m into g into 4m into आपका m नोट / x स्क्वायर सर, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू 1/3 इनटू ये आपका z इनटू 3m इनटू m नॉट अपॉन ये डिस्टेंस ये 1 - x ये हो गया 1 - x का स्क्वायर, ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो देखो जी 3 से 3 कैंसिल हो गया, m और m नॉट से आपका ये भी कैंसिल हो गए, और यहां रह गया इसको मैं लाता हूं इधर, ये चला ऊपर, तो 1 - x है इसका स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, g भी आपस में कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रहा क्या, इसको अपन यहां ले लिए तो हो गया 1/2 सर, सॉरी 1/4, इसको अपन कर दें स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 1 - x / x = 1/2,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये देखो हमारे पास 2 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू हो गया x, तो 3x इक्वल टू 2, x यानी 2 बाई 3, x इक्वल टू 2/3, तो इसका आंसर आपका हो गया 2 बाई 3, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इसमें दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्व विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं, तो क्या होगा? तो देखो भाई, एक मास है मान लो m1, दूसरा मास है m2, क्लियर। इन दोनों के अलावा किसी और पार्टिकल की या किसी और प्लेनेट की यहां कोई ग्रेविटी नहीं, तो अब इनके मोशन के ऊपर हमें कमेंट करनी है। तो हम देख रहे हैं कि केवल दो ही पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में लग रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 / r2, ठीक है। दोनों के दोनों जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ जब ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक दूसरे की तरफ गति करने लगते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बोला है तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही बनी रहेगी, नहीं, आकर्षण से घटेगी, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से दूर जाएंगे, नहीं, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन नेचर का होता है, तो ये पास ही आएंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अचल रहेंगे, तो ये अपनी जगह पे फिक्स भी नहीं रहने वाले, तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल ही कैसे। यानी कोई भी आपका जैसे स्पेस शिप होता है, तो स्पेस शिप मान लो कहीं स्पेस से गुजर रहा था और उसने मान लो दो स्पून दो चम्मच डाल दी, ऐसे तो मान सकते हैं इनको, जैसे दो स्पून जो स्पून डाली, तो पहले जो स्पेस शिप का स्पीड था जिस डायरेक्शन में वो उसको मिल गया। अब कुछ नहीं कहना चाह रहा कि अब इसके बाद जो भी बाहर कोई सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, अदर किसी प्रकार कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो जो पार्टिकल या जो स्पून यहाँ छोड़ी गई वो ऐसे पहले साथ मूव करेंगे और उनके बीच कौन सा फोर्स लगा, ओनली ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन पास आएंगे, दूर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बिल्कुल इसका शानदार आंसर आपको हो जाएगा, और ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो बेसिक ग्रेविटेशन लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत ऐसे हवा में नहीं रहना है, जमीन पे रहना है, ठीक है। बड़े सर आगे, ओके, तो अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, हाँ, ये देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलती होने की संभावना रहती है पर हम इसको बिल्कुल आपके इजी वे में इसको आपको सिखा देंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द चेंज, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ z एट ए हाइट h अबव सरफेस ऑफ अर्थ इज द सेम एज एट द डेप्थ x, यानी अर्थ की सरफेस से मान लो अर्थ की सरफेस आई और अर्थ का रेडियस मान लो कितना कैपिटल r है और अर्थ की सरफेस से मान लो अपन h हाइट पे जाते हैं, ठीक है, और एक अपन अर्थ की सरफेस जाते हैं x डेप्थ पे, तो हाइट पे और डेप्थ में जो डेल्टा g का चेंज होता है, और वो भी कब, यहां दे रखी है अपने कंडीशन कि यहां पे x और h दोनों ही क्या है, अर्थ की रेडियस से बहुत छोटे हैं उस स्थिति में। तो ध्यान दो, आपको एक थोड़ी सी बात आपको जो आनी चाहिए कि अगर h का वैल्यू बहुत छोटा होता उस कंडीशन में, जो डेल्टा g और बाई z यानी फ्रैक्शनल चेंज इन g कब हाइट का, वो आप लोग पढ़ते हो 2h / r होता है। सेकंड थिंग, आप पढ़ते हो डेप्थ में डेल्टा z / z, इसको मैं यहां कर दूं x वाला, वो आपका होता है x / r होता है। अब ये कह रहा है कि अगर यहां दोनों के भीतर अपन जा रहे हैं तो इनमें आपको कंडीशन, इफ द चेंज ऑफ g एंड दोनों के चेंज बराबर दे रखे हैं, जो चेंज हाइट पे है उतना ही डेप्थ पे है, तो इनके आपस में क्या रिलेशन है, तो अगर मैं इसके बराबर से कर देता हूं यानी ये आपस में बराबर हो गए, तो दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास जो क्या वैल्यू आ रही है, ये हो गया देखो 2h / r = x / r, सीधा सीधा दिखा दे रहा है यहां पर, x जो है वो 2h के इक्वल, बिल्कुल, यानी अब ये x = मेरे पास कितना 2h आ गया, ठीक है, अपन ये सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीजें जो होती है ना, इनको माइंड में बहुत ठीक से क्लिक करने लायक बना लो इसको, कैसे, देखो आप मोस्टली अपन x के स्थान पे यूज करते हैं डेप्थ d, मोस्टली डेप्थ के रूप में अपन नाम लेते हैं। एक जो याद हो आपको, ये जो आजकल अपन यूज करते हैं ना dth, dth जो यूज करते हैं अपन, तो उसी से अपने वर्ड है dth, तो dth ये शब्द है, तो इसको ऐसे करो, d बराबर d इक्वल टू 2h, t का मतलब 2, d इक्वल टू 2h, इसको याद कर लें आप ठीक से, पर एक कब है, अब d इक्वल टू 2s क्या, तो डेफिनेट है कि d और s तो अलग अलग है, वो तो कैसे अलग अलग है, तो g में समान परिवर्तन के लिए डेप्थ और हाइट का ये रिलेशन है। अब एक बात और देखो, ये फिक्स हो गया कि g में एक, मान लो क्वेश्चन आ गया कि g में 1% के परिवर्तन के लिए मान लीजिए हाइट 10 किलोमीटर है, डेप्थ कितनी आएगी, 20 किलोमीटर आएगी ना। अब इसको एक उल्टे सेंस में और ले लो,
कि अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, ये मेरे पास d = 2s, तो मैंने यहां लिखा d बराबर 2s लिखा, अगर मैं इसको डेल्टा z इसको डेल्टा h कर दूं, थोड़ा सा एक मिनट रुकें, क्योंकि इससे ट्रिक बन जाएगी शानदार और ये आपके पास हमेशा आपको काम आएगी। देखें मैंने लिखा d = 2s, ये तो रट लो आप, और इसको मैं लिखा यहां पे डेल्टा g, ये भी आपका डेल्टा z, ये हाइट का और ये डेप्थ का। चूंकि हम लोगों को d बराबर 2h याद कर लिया, अब इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करना है, इस d को यहां सुड़ा दो और यहां ले आओ। कब काम लेना है, जब d और h बराबर हो, जब d और h बराबर हो उस स्थिति में जो ऊंचाई का g का परिवर्तन है उसकी तुलना में आप देखो, यानी जो डेप्थ का g का परिवर्तन है उसकी तुलना में ऊंचाई पे कितना डबल आएगा, यानी अगर डेप्थ में 1% की कमी हो रही है तो उतने ही, अब यहां d और h बराबर है ध्यान देना, यहां इस वाले केस में अगर ये आता है कि d equal to s होने पे g के परिवर्तन किस प्रकार से आपस में रिलेटेड होंगे, तब आपको ये चीज काम में लेनी है। तो d equal to s को फिक्स कर लो, उसको उल्टा कर दो, दिमाग बिल्कुल शांति से, क्वेश्चन में ज्यादा लफड़ाई नहीं होगा, आराम से आप क्लिक कर जाओगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे तब इसको अपन यहां सॉल्व कर लेंगे। तो d बराबर 2x काम फिट, ओके, तो ये इस तरह से आप इसको कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन सभी आएंगे, देखो यहां क्वेश्चन आ गया, देखो ये कह रहा है कि द हाइट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट बीस, अच्छा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, द हाइट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट बीस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस। पहली बात देखो ये कह रहा है कि अर्थ की सरफेस से वो ऊंचाई निकालो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कितना आपका 1% रह गया, तो 99% चेंज हुआ, चेंज बहुत ज्यादा है, लार्ज चेंज है ये, 1% मतलब स्मॉल चेंज नहीं है, गलती मत कर बैठना यहाँ पर, तो ये लार्ज चेंज है। ऐसी स्थिति में देखो आप लिखते हो यहाँ पे 1% अगर चेंज हुआ है कि तो रिमेनिंग है, तो देखो अपन लिखें z h is equal to, अपन कहते हैं z upon ये आपका 1 plus h by r का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पर कौन सा फॉर्मूला लेना है जिसमें h आपकी ऑल वैलिड के लिए हो, ये बेसिक फॉर्मूला अपना है, जिसमें कोई हमने किसी प्रकार का अप्रोक्सीमेशन नहीं काम में लिया है। अब ये जी एच है कितना, देखो ये कह रखा है 1% ऑफ सरफेस, यानी इसको दूंगा 1/100, यानी जी बाई 100 काम हो गया। ये तो बात है ना कि 1% ऑफ सरफेस, तो 1% मतलब 1/100 इनटू जी, तो आपको यहां लिखा जी बाई 100, अब ये जी से आपका जी कैंसिल, और 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर कितना 100, इसको रूट कर दो यहां का यहीं, तो देखो मेरे पास 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो 1 प्लस एच बाई आर को 10, 1 को आप कर दो माइनस, तो 10 माइनस 1 9, एच इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप बढ़ाएंगे तो आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अगर डी डेप्थ पे बात की जाए तो ये आता है जी 1 - d/r, बिल्कुल। साथ में हमने हाइट पे एक फॉर्मूला और पढ़ा है जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो पहले मैं हाइट की बात कर लूं, ये जो फॉर्मूला है वो अप्रोक्स फॉर्मूला है, जब सरफेस से हम जो है ज्यादा हाइट पे नहीं गए, ठीक है, सरफेस के आसपास ही है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कह रहा हूं, तो वहां पर ये फॉर्मूला वैलिड है, और ये ऑलवेज वैलिड है, ये पास में तो वैलिड है ही, दूर पे भी वैलिड है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, तो ये बताएगा क्वेश्चन या ऑप्शन, क्लियर, बिल्कुल। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, वहां बोला गया था कि x और h जो है वो पृथ्वी की रेडियस की तुलना में छोटे हैं, तो सीधी सीधी सी बात है क्वेश्चन में गिवन कर दिया है तो हमें अप्रोक्स वाला फॉर्मूला काम में ले सकते, बिल्कुल। या फिर जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर हमें गिवन नहीं किया, तो यहां ऑप्शन बता सकते हैं, ऑप्शन अगर तुम देखो तो 8r 9r 10r 20r रेडियस के कंपेरेबल है सारे के सारे ऑप्शन। जब हाइट रेडियस के कंपेरेबल है तो डेफिनेटली उसको हम स्मॉल नहीं मान सकते, तो यहां एग्जैक्ट फॉर्मूला में काम लेना, बिल्कुल। बाकी ये जो फॉर्मूला है ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन हमने लिया ही नहीं था, ये तो ऑलवेज वैलिड है, यानी डेप्थ वाले में तो ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे परसेंटेजेस आपके 5 से कम हो चाहे 5 से ज्यादा हो, पर यहाँ 5 से कम होने पे आप इसको काम में ले लिया करो, और ये सब पे वैलिड है वैसे, पर 5 से कम होने पे इसको लगाना थोड़ा सा मैथमेटिकली इजी नहीं रहता है, इसलिए इसको अपन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है सर। बढ़िया, आगे सर आगे देखो, अब ये क्वेश्चन अभी बता रहा था उस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ, देखो ना अभी अपन ने सीखा था क्वेश्चन क्या, देखो कि वेट ऑफ ए बॉडी, अब वेट हो चाहे
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, दोनों में समय एक ही बात है, वो सब आपस में प्रोपोर्शनल ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे ले जाने पर एम मास की जो बॉडी है उसका वेट 1% घट गया, 5% से कम है, 1% घट गया, और इसी वस्तु को अर्थ की सरफेस से एच गहराई पे ले गए तो एच डेप्थ, यानी देखो यहां डी भी अपने को कितना एच दे दिया है, तो डी बराबर एच है, और डी इक्वल टू एच को मैंने कहा था आपको ऐसे याद करना है, आप उस पे लफड़े में नहीं पड़ेंगे, आपको बहुत इजी कर सकते हो। तो मैंने कहा डी बराबर कितना 2H, ठीक है भाई। अब इसको मुझे बदलना किसमें, एच और डी के समान होने पर जी का परिवर्तन आपस में कैसे लिंक होता है, तो मैं यहां करता हूं डेल्टा जी और ये लो साहब डी इज इक्वल टू यहां 2 को पहले यहां ले आता हूं, ये लो, और इनटू कितना डेल्टा जी आपका एच बन गया। अब यहां दे रखा है एच हाइट का, एच हाइट का चेंज आपको दे रखा है, कुछ इसका डेप्थ का, तो ये कितना दे रखा है आपने को 1%, तो आपको निकालना है डेल्टा जी डेप्थ, तो कितना हो गया 1/2, यानी ये हो गया आपका 0.5%, इसमें गलत होने चांस अब हो गए 0, ठीक है। फॉर्मूले से अपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, कोई इशू नहीं, पर इससे आपका आसान हो रहा ना, तो d = 2h नहीं, आपके परिवर्तन बराबर हो तो इसको ले लो, और जी में परिवर्तन पूछ लिए तो आप इस तरह से फॉलो करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। बेसिकली ये भी पूछा है कि घटेगा या बढ़ेगा, तो दिमाग में रखना है कि प्लेनेट की सरफेस पे जो एक्सीलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, बिल्कुल क्लियर, और सरफेस से अगर ऊपर जाओगे हाइट पे या सरफेस से डेप्थ पे अगर जाओगे तो एक्सीलरेशन ऑलवेज जो है वो डिक्रीज होगा, क्लियर। हां ये भी बहुत ध्यान रखना है बच्चों को, जी हमेशा आपका डिक्रीज होगा हाइट पे हो चाहे डेप्थ पे, बढ़िया सर, बिल्कुल सर, ओके। हाँ सर देखिए क्या कह रहा है, सुनिए प्रश्न में बोला है कि मान लीजिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से 0.2 गुना, मतलब चंद्रमा पर जो जी है ना वो पृथ्वी का 0.2 गुना बोल दो, या बोल सकते हैं इसको जी ई वाई 5। तो बोला यदि पृथ्वी तल पर किसी प्रक्षेप्य की अधिकतम परास आर ई है तो चंद्रमा पर इसी प्रक्षेप्य की अधिकतम परास बतानी है कब, जब प्रक्षेप का वेग जो है वो समान रखा गया। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज आती है वो आती है यू स्क्वायर वाई जी साइन 2 थीटा, जहां थीटा क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल टू 45 पे आती है, तो मैक्सिमम रेंज यहां से आती है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो यू को तो यहां पर सेम रखा है, तो तुम साफ साफ देख सकते हो रेंज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई जी के, तो हम कह सकते हैं मून पर रेंज अपॉन अर्थ पर रेंज इक्वल टू हो जाएगा अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपॉन मून पर एक्सीलरेशन, क्लियर। अब यहां वैल्यू रख दो तो जीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास जीई वाई 5, तो साफ साफ देख सकते हैं आरएम की वैल्यू 5 आर ई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल 4 करेक्ट आंसर, बढ़ा के बिल्कुल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी ग्रह ए पर मनुष्य 1.5 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है, ठीक है, उसी ग्रह पर मनुष्य की चाल क्या होगी जिसका घनत्व जो है और त्रिज्या वो ए की तुलना में 1/4 और 1/3 है। तो पहले तो जरा मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात कर लेता हूं। किसी भी ग्रह की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहां घनत्व और त्रिज्या की बात की है तो मैं एम को घनत्व और त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो द्रव्यमान को लिखा जा सकता है घनत्व इनटू गोल का आयतन, क्योंकि जनरली ग्रह जो होते हैं हमारे पास गोलाकार होते हैं, ठीक है। तो यहां से जी की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल आ गई रो और आर के, क्लियर, ठीक है। अब बोला क्या है कि उस ग्रह पर हमें कमेंट करनी है जिसमें घनत्व और त्रिज्या जो है ए की तुलना में 1/4 और 1/3 है, कि घनत्व जो है वो तो 1/4 हो गया और त्रिज्या जो है वो 1/3 है, तो घनत्व 1/4 और त्रिज्या 1/3, तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कुल कितना हो जाएगा 1/12 गुना हो जाएगा, क्लियर। तो मैं कह सकता हूं उस नए ग्रह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो g1/12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, बोला है किसी ग्रह पर ए पर मनुष्य की अधिकतम ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है, अधिकतम ऊंचाई है वो हो सकती है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहां पर भी देखो यू सेम है, एच की वैल्यू जो है वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, तो हम बोल सकते हैं एच टू अपॉन एच वन बराबर g1 अपॉन g2, ठीक है। अब g1 अपॉन g2 की वैल्यू यहां से साफ साफ देख सकते हो तुम, ये कितनी हमारे पास 12 है, ठीक है, तो यहां से एच टू की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना हो जाएगी 12 टाइम्स एच वन, अब ये दे रखा 1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 मीटर, मतलब उस ग्रह पर जो है वो व्यक्ति 18 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है, जी के कम होने से वो आसानी से उछल पाएगा।
जितना जी कम होगा उतना ही। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने यू को सेम मान लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जिसके उछलने की बात की जा रही है, तो हम मान के चलेंगे उसकी स्ट्रेंथ सेम है, उसकी कैपेसिटी सेम है, तो जिस स्पीड से वो पहले ग्रह पे उछल पा रहा था उसी स्पीड से वो दूसरे ग्रह पे उछल पाएगा, इसलिए यहाँ यू को कांस्टेंट मान लिया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें सर क्या है, इसमें कह रहा है कि टू बॉल्स ऑफ सेम साइज बट द डेंसिटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, then which ball will reach the earth first? Air resistance is negligible. Simple सा इसमें concept है, दो body को आपने drop किया है, तो अपन जानते हैं यहाँ पे g अगर air पर depend नहीं कर रहा है, तो जो इसमें हमसे पूछा क्या time या कौन पहले पहुँचे time आपको निकालना, t का simple formula आपका होता है root 2h by g, तो ये तो mass पर depend नहीं करता, mass पर depend नहीं करेगा, तो दोनों के टाइम कैसे सेम आएंगे, तो दोनों साथ साथ ही कोलाइड करेंगे, सरफेस पे टकराएंगे। ओके, अब ध्यान देना यहीं पर मास किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है जिसको रिलीज किया गया है, प्लेनेट के मास पे तो डिपेंड करेगा क्योंकि जी उस पे डिपेंड करेगा। हाँ, अलग अलग प्लेनेट भी अगर अपन मान लो एक को तो अपन अर्थ ड्रॉप करें, एक को कहीं मून पे कर रहे हैं, तो वहां तो आपके टाइम बदल जाएंगे एक ही बॉडी के लिए, वहां पर भी जिस बॉडी को अपन ड्रॉप करें उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये भी नीट का आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, यानी एक हमारे पास कोई ब्लैक होल है, वो इतना कॉम्पैक्ट है, इतनी उसकी डेंस ज्यादा है कि उससे हम लोग लाइट को, प्रकाश से उसको भी एस्केप नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपसे पूछा है कि अगर अर्थ, अर्थ को अपन इतना कंप्रेस कर दें कि अर्थ खुद क्या बन जाए, एक ब्लैक होल बन जाए, उस सिस्टम उसकी रेडियस कितनी वो आपसे पूछी जा रही है। तो सिंपली देखो, अर्थ की सरफेस से निकालते हैं एस क्या स्पीड, वो होती कितनी है रूट टू जी एम बाई आर, इसका अपन रूट करते हैं, ये एस क्या स्पीड होती है। अभी अभी कह रहा है कि अर्थ को अपन कंप्रेस करें, मास तो उतना ही है, मास आपका कांस्टेंट है, रेडियस आपकी मान लो होगी आर डैश, कंप्रेस करें रेडियस आप बदलेगी, और उस स्थिति में अगर ये ब्लैक होल के रूप बन जाए, तो ब्लैक होल तभी बनेगी जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाए प्रकाश के वेग के ठीक बराबर। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका अपन स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने मेरे पास है c स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 2gm / r डैश, r डैश वो नहीं त्रिज्या जिसको आपको फाइंड करना है, तो r डैश हमारे पास कितनी होंगे, देखो ये हो गया आपका 2gm / c स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ये अब मैं इसको लिख दूं 1 सेंटीमीटर की अप्रोक्स आएगा, ये 8/9 सेंटीमीटर आता है 1 सेंटीमीटर, तो देखो बात यहां पकड़ो, ये ब्लैक होल है इसमें c है सेंटीमीटर में और कितना 1 सेंटीमीटर, बेसिकली 1 सेंटीमीटर, तो ये फिक्स याद ही कर लो, ब्लैक होल में सी आ रहा है, सी 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 सेंटीमीटर में आता है, और वैसे कैलकुलेशन आप कर लो भी सामने, पर टाइम बचाना है और ये फिक्स आपका क्वेश्चन है, तो ये कितना अप्रोक्स 10^-2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट अपन आंसर कर देंगे। ठीक है सर, बढ़े आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न बोला है कि द्रव्यमान एम का एक कण उसी द्रव्यमान तथा त्रिज्या ए के गोलीय कोष के अंदर केंद्र पर स्थित, इस केंद्र से केंद्र की a / 2 दूरी पर हमें गुरुत्व विभव का मान निकालना कि एक m द्रव्यमान का बिंदु है और इतने ही द्रव्यमान का एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या बोली है r, तो गोलीय कोश के अंदर यहां a / 2 पर विभव पूछा गया है। क्लियर, अब देखो इस पॉइंट पर विभव जो है कोश की वजह से भी और बिंदु द्रव्यमान दोनों की वजह से आएगा, तो हमें क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी या पोटेंशियल दोनों के लिए लिख के डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो बड़े गोलीय कोश की वजह से यहां पर अगर देखें तो ये तो इसके अंदर हो गया, तो गोलीय कोश के अंदर उतना ही विभव होता है जितना गोलीय कोश की सरफेस सरफेस होता है, तो इस गोलीय कोश के कारण तो विभव आ जाएगा हमारे पास -gm/a। अब इस पॉइंट की वजह से बात करें तो पॉइंट की वजह से होता है पोटेंशियल -gm/r, तो इसकी वजह से यहां आएगा -gm/a/2, तो कुल विभव कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा -3gm/a, क्वेश्चन में हमसे केवल परिमाण पूछा है तो आंसर हो जाएगा 3gm/a। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आपको आते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर ले बेटे आप ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस स्मॉल m एंड 4m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, दो बॉडी हैं उनको आपने मास दे रखे हैं उनके m और 4m, मान लीजिए ये मास आपका स्मॉल m है, ये मास आपका 4m, ठीक है जी, और इनको हमने स्मॉल r सेपरेशन पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनको मिलाने वाला जो लाइन है उस पर ऐसे बिंदु पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है, यानी न्यूट्रल पॉइंट इधर से हो गया, तो ये मान लो पॉइंट है जहां पे इसका न्यूट्रल पॉइंट है, अब न्यूट्रल पॉइंट आपको निकालना है, तो यहां इस पॉइंट पे डिस्टेंस अज्यूम करो, डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस है आपकी r - x हो गई,
और इसका अपन निकालेंगे इंटेंसिटी, इसको अपन निकाल, दोनों आपस में इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स डिस्टेंस आ जाएगी। अब एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वैसे भी अगर याद हो आप लोगों को, एक्स आपको निकालनी है, अगर एक्स जो एम से निकालो, एक्स पता क्या देखो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आर अपॉन, इसी से निकालना हो तो इसका मास कितना देखो है एम, इससे डिवाइड करना है एम, और ये आपका 4m और प्लस 1 वैसे होना होता है। यदि आपको यहां से डिस्टेंस निकालनी है तो इसका मास का भाग देना, और यहां से निकालनी है तो इसको आपको 4m से डिवाइड करना है, बिल्कुल दोनों एकदम सिमेट्रिक होते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो 4m / m, m से हम कैंसिल, रूट ऑफ 4 कितना, 2 2 + 1 कितना आपका हो गया 3, तो r / 3, अगर ये डिस्टेंस r / 3 है तो ये कितनी मिल, 2r / 3 आ गई। अब हमको वो पॉइंट मिल चुका है जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। अब यहां पोटेंशियल इसका भी है और इसका भी है, स्केल क्वांटिटी होती है, तो मैं इसको लिखूं v due to small m plus कितना v due to 4m, तो v हमारे पास m कितना माइनस का gm अपॉन देखो r / 3, तो r और 3 को अपन यहां से ऊपर ले लेते हैं, अगेन ये भी आपका नेगेटिव होता है तो माइनस कितना वापस हो g into 4m, मास फॉर्म था बेटे, तो माइनस का ये जी एम अपॉन कितना 2r/3 3 को अपन ले लें यहां पर, 2 से छुड़ा दें, अगेन कितना 3 3 कितना 9 9 * 3 कितना हो गया, ये 2 टाइम्स आएगा, तो ये 6 + 3 माइनस 9 gm भाई आ जाएगा, बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा। ठीक है बढ़िया के भी, ओके तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ए पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी then its velocity on reaching the earth would be, एक पार्टिकल को आपने जैसे सिंपल है उल्टा सेक्शन है, मान लो अर्थ की सरफेस से अपन किसी बॉडी को एस्केप करवाते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को एस्केप कराना है स्मॉल m मास की बॉडी को, तो आपको चाहिए एस्केप स्पीड, और एस्केप स्पीड से ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करेगी, हां जी आपका रफली कितना जीरो होता है, तो ग्रेविटी लिमिट को पार करने के लिए आपने कम से कम कितनी वर्टिकल स्पीड दी उसको अपन कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, और ये हमारे पास होता है कितना आपको मालूम होना चाहिए √2gm/r, इसको डेंस से बदलें वो सारे फॉर्मूले आपको याद होते हैं। तो यहां अब देखो अगर आप यहां से किसी बॉडी को एस्केप करवा रहे हैं तो इतनी आपको स्पीड देनी पड़ेगी, उल्टा इसको सोचें आप यहां से इसको छोड़ेंगे बॉडी किसी स्पीड जीरो से, यहां से इसको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने पे इतनी स्पीड से आपकी सरफेस टकराएगी, तो बेसिक दिमाग रखना चाहिए, कहीं इसको सॉल्व करने आवश्यकता ही नहीं है, तो बेसिक इसका आंसर, और इसको पहले लिखते हैं ना g के टर्म्स में कितना आपका 2g * r ही आंसर बनता है, तो आराम से इसको आप ठीक कर सकते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देख सर क्या कह रहा है, सुनिए, बोला है कि प्रत्येक 1 kg के अनंत द्रव्यमानों को x अक्ष पर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पोजीशन पे रखा है, और बोला है कि मूल बिंदु पर जो है परिणामी गुरुत्व विभव का मान, तो पहले तो अरेंजमेंट समझना कि ये x एक्सिस इस मूल बिंदु पे निकालना है हमें, x इक्वल टू 1 2 3 इसी तरह से, सॉरी हां 1 x इक्वल टू 1 2 2 4 4 एक इस तरह से आगे रखा गया, और इधर ये -1 -2 -4 इन पर 1 kg रखे गए, तो यहां पोटेंशियल निकालना है, तो एक-एक करके निकालते हैं। इसकी वजह से अगर मैं देखूं यहां यहां पर ये 1 kg सब जगह 1 kg रखे हुए हैं, तो इस 1 kg की वजह से यहां पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस जी एम बाई आर होता है, तो माइनस जी एम बाई 1 सेम इसकी वजह से आएगा, तो इसको इंटू 2 कर दूं, बिल्कुल। अब 2 वालों की पोजीशन की वजह से देखते हैं, तो यहां लिखेंगे माइनस जी इंटू 1 भाई, अब डिस्टेंस हो गई ओरिजिन की इससे 2, अब दोनों की वजह से सेम ही आएगा तो इंटू 2 कर दूं, इसी तरह से सिक्वेंस बनता जाएगा, तो बेसिकली सिक्वेंस क्या बन गया, माइनस 2g कॉमन ले लो 1 प्लस 1/2, सिमिलरली 4 की वजह से यहां 1/4 आता जाएगा 1/8, और ये हमारे पास एक gp बन जाएगी, बिल्कुल क्लियर, तो इसको अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा माइनस 2g, ये हमारे पास इनफाइनाइट स्टेप्स की gp बन गई, जिसका फर्स्ट स्टेप 1 है और हमारे पास जो रेशियो है वो 1/2 है, तो इसका सम हो जाएगा फर्स्ट स्टेप अपॉन 1 माइनस सेकंड स्टेप रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो ये रिलेशन आ जाएगा माइनस 4g, तो पोटेंशियल जो है वो ओरिजिन पर हो जाएगा माइनस 4g, केवल परिमाण पूछा है तो 4g, बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखें इसमें आपको सिंपल इतना कह रहा है कि आपकी सरफेस से किसी स्मॉल m मास के बॉडी को आपको एस्केप करवाना है ताकि बॉडी वापस आपकी सरफेस पे नहीं आ पाए, तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर, तो ओनली आपको एस्केप स्पीड देनी है कि बच्चा आराम से खुद कर लेगा, तो बढ़े इसके आगे। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ सो रेडियस कैपिटल r एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ z नॉट, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज, तो देखें सर क्या कह रहा है,
कि सबको ये हमारे पास कोई भी कैपिटल एम मास का प्लैनेट, इसके चारों तरफ आर रेडियस में, इसको मैं स्मॉल आर नाम देता हूं, स्मॉल आर रेडियस में एक स्मॉल एम मास का प्लैनेट जो है रोटेट कर रहा है अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नोट से। तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है जी एम एम बाई टू आर, और इसकी टोटल एनर्जी जो है वो सेम इतनी ही होगी बट नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ, माइनस जी एम एम बाई टू आर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का जस्ट डबल होती है, तो वो आएगी हमारे पास माइनस जी एम एम बाई आर। अब ये रिजल्ट है सेम टू सेम रिजल्ट मॉडर्न फिजिक्स में, एटम स्ट्रक्चर में भी काम आता है, सेम रिजल्ट यहां पर भी काम आता है। अब बोला क्या हमसे कि बताओ इसकी कुल ऊर्जा निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, वो भी इस गिवन फॉर्मेट में। टोटल एनर्जी तो ये हो गई, एक बार सब नेक्स्ट स्लाइड पे आना जरा। तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो ये हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन टू, और ये है हमारे पास इसका रेडियस फॉर्मेट का। अब देखो सैटेलाइट जो है ये हो गया हमारे पास प्लेनेट का रेडियस, और यहां से एच हाइट पर ये घूम रहा है, राइट। तो इस सैटेलाइट का सेंटर से ये रेडियस कितना हो गया आर प्लस एच, तो इसको हम लिख देंगे आर प्लस एच। अब गिवन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं हम, तो देखो इसको ऊपर नीचे मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन गया टू आर स्क्वायर आर प्लस एच। अब ये टर्म क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर जो होती है वो सरफेस पर एक्सेलरेशन होती है, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी आर स्क्वायर टू आर प्लस एच। उस प्लेनेट उस सैटेलाइट की जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो इतनी हो जाएगी। तो एक बार ऑप्शन देखे समझ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये कह रहा है एक हमारे पास वो सैटेलाइट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के है और पोटेंशियल एनर्जी वी है और टोटल एनर्जी आपकी कैपिटल ई है, तब इनमें से कौन सा रिलेशन है वो सही। अभी हमने डिस्कस किया था देखो कि जैसे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, टोटल जो एनर्जी होती है यहां देखा हमको कितना ई उसका माइनस होता है, तो ना आपस में इक्वल अपोजिट होते हैं। सेकंड थिंग अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ई होता टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है वो आपकी होती है यू बाई टू, यू बाई टू दोनों सेम हमेशा नेगेटिव होती है। और हमको यहाँ पे अगर बात करना हो इनके आपस के रिलेशन के, जैसे मैंने कहा ई कितना मेरे पास यू बाई टू है, तो माइनस का ई, ई क्या रखूँ देखो यू बाई टू, तो हमारे पास के कितना हो जाएगा नेटिक माइनस का वी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये कह रहा है अभी इसको अपन डिस्कस किया था चम्मच वाला क्वेश्चन ही है ना, चम्मच क्या करेगी, यहाँ अपन देखो वो अलग कार्य थी, यहाँ अपन किसी स्पेस की सिप से कोई चम्मच छोड़ेंगे तो वो तो उसके साथ ही मूव करेगी, उसके साथ अकेला है वो तो सिस्टम अकेला साथ मूव करेगा, किस स्पीड से, जिस स्पीड से आपका स्पेस से मूव करेगा, यहाँ इसका आंसर तो आपको क्या हो जाएगा वो एक खुद, यानी आप ये मानो कि चम्मच खुद एक सैटेलाइट बन जाएगा, बिल्कुल उसके साथ ही मूव करेगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये अंतरिक्ष यान की दिशा में उसके साथ ही करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक ग्रह के चारों ओर वर्त के समय घूमने वाले उपग्रह का आवर्त का निर्भर नहीं करता, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम पीरियड सिंपल सी कहानी इसमें होती है, मान लो हमारे पास ही कोई एक प्लैनेट है, इसके अराउंड कोई प्लैनेट, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसका मास कितना स्मॉल एम है, ये मास कैपिटल एम है और इनके बीच का आर है सेपरेशन, तो अपन टाइम पीरियड टी निकालते हैं, वो होता है क्या टू पाई आर बाई वी, और वी यहां पे इसकी है ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको अपन लिखते हैं यहां पे, तो टू पाई आर अपॉन कितना ये रूट, या आपका कर दो जी एम बाई सॉरी रूट जी एम बाई स्मॉल आर होता है। अब जी एम इसको अपन यहां रखिए, इसमें आर की पावर 1 बाई 2 इसको ऊपर लाएं, तो ये 1 पहले से 1 बाई 2 और आ गया, तो इसको अपन यहां ऐसे कह सकते हैं कि टी जो हमारा हो गया वो 2 पाई अपॉन कितना रूट जी एम, और इस आर को मैं यहां से ऊपर ला चुका हूं, तो आर की पावर 5 से 1 पड़ी है, आर बाई 2 1 और आ गया, तो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना 3 बाई 2 हो गया, तो आर की पावर 3 बाई 2, ये हमारे पास इसमें रिलेशन है। अब ध्यान दो कि टी है ना ये इस जो आपका सैटेलाइट है उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सैटेलाइट की किसी प्रॉपर्टी उसका मास उसका डेंसिटी उस पर डिपेंड करता किस पे है, जो आपका प्लैनेट जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है उसके मास पे उसके डेंसिटी सब पर डिपेंड करेगा। तो बेसिक सा यहाँ पर है कि उपग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा, ग्रह की दोनों प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और आपसे पूछा किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा आंसर थर्ड इसमें हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़े आगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है, इसमें दो उपग्रह ए तथा बी किसी ग्रह पी के चारों ओर 4r और r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाओं में गति कर रहे हैं, यदि उपग्रह ए की चाल 3b है तो बी की चाल कुछ ही है, बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी पे बात की गई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है रूट जी एम बाई आर,
अब ग्रह समान है केवल इनकी त्रिज्या अलग है तो हम इनका रेशो इजीली निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू, यहां से अगर तुम देखो तो वी प्रोपोर्शनल है 1/√r के, तो वी ए अपॉन वी बी लिखा जा सकता है। यहां पर r रेडियस ऑफ ए, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बी, ठीक है बिल्कुल। अब देखो, अब ए के लिए क्या बोल रखा है, ए की चाल जो है वो 3b है, बी की चाल हमें निकालनी है, साथ में इनकी रेडियस, ए की रेडियस दे रखी है 4r, तो 4r का रूट यहां हो जाएगा 2r, सॉरी 4r का रूट, 4r का रूट यहां हो जाएगा 2√ बिल्कुल r, और r भी है r, तो ये 2r, तो ये गया, तो यहां से bb की वैल्यू आ गई हमारे पास 6b, तो b की जो वेलोसिटी है वो 6b हो जाएगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, रॉकेट वाज लॉन्च्ड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन टू टेक एडवांटेज ऑफ, रॉकेट को हम पूर्व की दिशा में अपन करते हैं लॉन्च, तो उसमें क्या होता है अर्थ खुद पूर्व से पश्चिम रोटेट करती है, तो अर्थ के रोटेशन का भी हेल्प लेने के लिए हम क्या करते हैं उसको उस दिशा में ही लॉन्च करते हैं, तो अर्थ का जो घूर्णन होता है ना वो इस दिशा में होता है, इस कारण से हम उसको उस दिशा में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है कि गति गति में जो आपकी प्लानिटरी मोशन होती है उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है लो वो किस पे बेस्ट है, उसकी हेल्प से अपन और उसमें क्या यूज कर पाते हैं, तो वहां एक्चुअली होता है क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज इन एरिया जिसको अपन कहते हैं क्षेत्रीय चाल, एरियल स्पीड होती है dA/dt, वो भी यहां पर क्या होती है कांस्टेंट रहती है, तो ये यहां पर किससे लिंक हो रहा है, ओनली आपका क्षेत्रफलीय जो चाल है उससे लिंक होता है, इसलिए आपका यहां पर आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि सिंपल इक्वेशन ही आपको मालूम है कि इनमें सारी मोशंस में अपन कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम j = mvr वो यहां पे होता है कांस्टेंट, m यहां पे मास ऑफ है सैटेलाइट या जो अब सन के राउंड सिस्टम हो करा, तो प्लैनेट की बात अपन करेंगे तो प्लैनेट का मास यहां पे कांस्टेंट है, इसका मतलब आप ये कहेंगे v * r बराबर क्या होगा कांस्टेंट। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि v को अपन बढ़ाएंगे तो r कम होगा, आपको v पूछा मैक्सिमम तो v के मैक्सिमम के लिए r होना चाहिए कम से कम, तो यहां सन का फोकस है यहां पे है तो आपको साफ दिख रहा है जिस समय ये आपका प्लैनेट कम से कम दूरी पे होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी मैक्सिमम, तो वी ए यहां पर कैसी है अधिकतम, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड है वो हो जाएगा। आपसे पूछे कि न्यूनतम कहां पर है तो मैक्सिमम सरफेस कहां पर बी पर है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखो ये क्वेश्चन आपका सिंपल अभी अपन डिस्कस किया था कि जो सैटेलाइट होते हैं जब किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता, किसके मास पर, सैटेलाइट के मास पर। यहां कह रहा है कि हम चंद्रमा यहाँ पे सैटेलाइट रूप में काम करता है अर्थ के लिए, इसके मास को अपन डबल कर रहे हैं पर इसके मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो जो इसका टाइम पीरियड पहले था 29 वो का वो आपका बना रहेगा, तो इसका आंसर भी आपका 29 ही रह जाएगा। ओके, हाँ, तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन देखें हम, तो क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, कोई पार्टिकल है वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन ए सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू The nth power of r, यानी वो जो फोर्स जिसके इफेक्ट में मोशन कर रहा है वो कह रहा है कि उसका जो फोर्स आपको दे रखा है f प्रपोज टू है 1/r^n, तो इसको अगर इक्वल कर दें यहाँ तो k/r^n आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स है वही क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो अब जब सेंट्रीपेटल फोर्स जब भी आपको कहीं रिक्वायर होता ना तो वहां हमें से क्या करा करो, आप देखो जब भी आपको फोर्स चाहिए तो f समानुपाती या f की पर लिखें सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी mu स्क्वायर बाय r, या पर लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर इनटू कौन सा r, या इसको बदल लिया करो m इनटू कितना 4 पाई स्क्वायर इनटू f स्क्वायर इनटू r, मतलब इसको टाइम पीरियड में कितना m इनटू कितना 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू r, क्वेश्चंस की चार संभावनाएं बनती है, या तो पूछेगा आपसे v या ओमेगा कौन सा आपका आवृत्ति या कौन सा आवर्तकाल, या आवर्तकाल पूछा है तो जस्ट आप इस f नेट की इक्वल कर दो m इनटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू r, इसलिए बहुत शॉर्ट में देखो कि हमारा फोर्स था और डिस्टेंस की डिफरेंस देखनी है तो 1/r^n हमने यहां से ले लिया ये वाला, और ये किसकी इक्वल होना चाहिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू r, आप यहां कुछ है देखो आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो अगर मैं इस t स्क्वायर को यहां से लेता हूं ऊपर t स्क्वायर यहां हो गया r^n यहां से ऊपर चली गई तो r^ पहले से 1 है और r^n और आ चुकी है तो दोनों के बेस सेम होने पे पावर को अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना n+1 आ गया, तो t स्क्वायर यहां पे r^n+1 के समानुपाती है तो t बेटा जी कैसा होगा समानुपाती r^n+1/2, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है आंसर आपन देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेकंड आंसर आप टिक कर देंगे। और अब देखें अपन अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में देखो ये है कि दो हमारे पास सैटेलाइट है ए और बी, दोनों एक है सरफेस अर्थ की सरफेस से r हाइट पर, दूसरा है अर्थ की सरफेस से 2r हाइट पर, और आपसे पूछा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है,
तो अभी हम पीछे इनको डिस्कस कर चुके हैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती कितनी है, ये k है पर cos to 1 upon r plus h, ये r n स्मॉलर होती है, टोटल डिस्टेंस हम यहां पे काम लेते हैं, तो k यहां पे 1 upon r plus h के अनुसार है, तो x दोनों के लिए अलग दे रखी है, तो k a upon k b निकालना है, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना r plus r कर दो, यहां पे r कितना r plus 2 r कर दो, आपका 3r या आपका कितना 2r, 3 upon 2 इसका आंसर आपका आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा सर 4 3 by 2, ओके। पहला क्वेश्चन देखें अपन, अगले क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक स्थायी वृत्त कक्षा से दूर दूसरी स्थायी कक्षा में गति करता है, ये प्रश्न बहुत प्यारा है, यहाँ आपको बहुत कंसंट्रेट होकर ढंग से इसका आंसर देना है, यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यहाँ कह रहा है कि कोई एक सैटेलाइट है जो किसी प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है, उसने अपनी कक्षा को बदला कैसे, फर्दर फार दूर चला गया, तो दूर का मतलब स्मॉल आर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, तो अब आपसे पूछा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें इसमें पूछा है कि कौन सी राशि बढ़ेगी, इंक्रीज कौन सी आपको यहाँ पता करनी है, तो यहाँ पूछा है कि गुरुत्व बल कैसे बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए चाल है या त्वरण है, ये कैसे आपसे बदलते हैं, देखो यहाँ पे सारी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव और वन अपॉन आर पे डिपेंड करती है, जब आर यानी रेडियस को बढ़ाएंगे अपन तो काइनेटिक आपकी डिक्रीज होगी, ये गलत हो गया, आप लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस का वन अपॉन आर है, माइनस का वन अपॉन आर है, और ऐसी स्थिति में आर के बढ़ने से यू बढ़ेगी और घटने से घटेगी, तो यू पर आपके ऑप्शन में बिल्कुल है, इसका आंसर आपका सेकंड तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्यों सर, और ऐसे ई है, ई का भी ऐसे ही खेल होगा, पर ई आपको यहां दे रखा नहीं है, रेखीय कक्ष चाल की अपन बात करते हैं तो v कितना होता है जानते हैं, रूट gm / r होता है, तो r की इंक्रीज होने में भी आपकी डिक्रीज, तो बात करते हैं अभिकेंद्रित त्वरण की बात, तो v स्क्वायर / r हम जानते हैं, v देखो हमने भी कहा था कि r तो वैसे बढ़ रही है और v घट रही है, तो यहां तो दोनों के प्रभाव से इसका मान घटना ही घटना है, इंक्रीज का कोई इशू ही नहीं है, तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, ओनली टू ओनली सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है वो आंसर देखिए क्या क्या क्वेश्चन, ये प्रश्न बोला है कृत्रिम उपग्रह के अंदर बैठा एक व्यक्ति बाह्यता का अनुभव करता है क्यों, तो देखो ये अगर हमारे पास एक प्लेनेट हो गया जिसके चारों तरफ ये एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ कोई पर्सन अगर हमारे पास खड़ा कर दें तो ये वेटलेसनेस जो है बाह्यता जो है वो अनुभव करता है, वो क्यों करता है, तो देखो तो इस पॉइंट पर अंदर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, अगर आर इसकी रेडियस मान ली जाए, अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस मैन को क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, अगर इसी को मैं प्लेनेट के फ्रेम में देखूं तो जीएम बाय आर स्क्वायर तो लग रहा है अंदर, इतने ही मैग्नीट्यूड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा बाहर जो कि बैलेंस कर देगा, तो उसे ओवरऑल क्या लगेगा, उसे ओवरऑल लगेगा कि ये जो सरफेस है ना सेटेलाइट की उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही, किसी भी तरह का नॉर्मल फोर्स नहीं देगी, जब नॉर्मल फोर्स नहीं देगी तो उसे ऐसा फील होगा कि जैसे उसमें वेट नहीं है, इसी चीज को हम वेटलेसनेस बोल देंगे, क्लियर, तो हम बोल सकते हैं इसका करेक्ट रीजन क्या है कि उस स्थान पर शून्य होता है आकर्षण बल, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है, ये भी गलत हो गया, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है, बिल्कुल सही है आपका, क्लियर, बिल्कुल, यानी इधर से हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल पाती है उस कारण से उसको वेटलेसनेस ऑफ फील होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि एक पिंड है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, और उसमें कह रहा है कि जब वह u मात्रा की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को खो देता है, यानी उसके पास u थी पोटेंशियल एनर्जी वो उसकी डिक्रीज हो गई, तो बदले किसमें काइनेटिक में, तो सिंपल है वहां तो अपन क्या बोलेंगे, u जो था उसमें लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कौन सा गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m * v स्क्वायर, आपसे पूछा मास कितना था 2u / v स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर थर्ड, ओके। बढ़ते आगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो टाइम अपन खराब नहीं कर सकते, तो आपको इसको समझ आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर पृथ्वी कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों शून्य है, आपसे पूछा है कि आपके कारण ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर दोनों प्रकार के जो विभव और क्षेत्र जो है वो दोनों शून्य है, अपन जानते हैं अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल तो मैक्सिमम होता है, बिल्कुल सर 3/2 -3/2 होता है gm / r, और सेंटर पे इंटेंसिटी आपकी जीरो होती है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, सरफेस दोनों आपके अराउंड जीरो होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अनंत के अलावा ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पे ये दोनों आपके जीरो हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका कौन सा आएगा, अनंत, और अनंत पे ही पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि धातु के जो बने हैं हमारे पास r 2r और 3r त्रिज्याओं के संकेंद्रीय गोले हैं और इन पर आवेश क्या दिया है q1 q2 और q3 दिया, अब प्रेरण की वजह से अंदर वाले गोले पर q1 आवेश है तो दूसरे गोले की आंतरिक सतह पे -q1 आ जाएगा और बाह्य सतह पे क्या आ जाएगा +q1, q2 ऑलरेडी था तो उस पर हो जाएगा q1 + q2, अब प्रेरण की वजह से बाह्य गोले की आंतरिक सतह पे आ जाएगा -q1 -q2, ठीक
क्लियर। और इसके भी बाहरी सतह पे Q1 प्लस Q2 प्लस का आ जाएगा, Q3 ऑलरेडी था, तो ये तुम्हारा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तीनों गोलों की बाहरी सतह। अब बोला है कि इन तीनों सतहों पर अगर सिग्मा की वैल्यू पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू समान है तो Q1, Q2 और Q3 का रेशो पूछा है। तो किसी भी गोलीय सरफेस पे अगर मैं मेरे को चार्ज लिखना है तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू 4πr2। यहां अगर देखो तो चार्ज जो है वो r2 के प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं kr2 के टर्म्स में लिख सकता हूं, यहां k कांस्टेंट है। क्लियर। तो पहले सरफेस पे जो चार्ज Q1 रहा होगा वो हो जाएगा kr2। दूसरे सरफेस पे देखें तुम्हारा चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी k दूसरे स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर, तो आ गया 4kr2। सिमिलरली तीसरे सरफेस पे आ जाएगा तीनों का सम k * तीसरे स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर 9kr2। तो यहां से देखो तो Q1 की वैल्यू तो आ गई kr2। इस इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे तो Q2 आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 3kr2। सिमिलरली Q3 की वैल्यू के लिए हम थर्ड में से 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 9 - 4 5kr2। तो Q1 Q2 Q3 का रेशो हो जाएगा 1:3:5। बिल्कुल सर। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास कोई सॉप बबल है और न्यूट्रल है, उसको अपन चार्ज कर रहे हैं, तो किसी भी, अब यहां समस्या आती कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको नेगेटिव चार्ज दिया, अभी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव जब चार्ज देंगे तो एक तो हमेशा उसकी सरफेस पे आउटवर्ड या आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये लगता है इलेक्ट्रिक प्रेशर जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है, इससे हमेशा इसका साइज बढ़ना ही होता है, वो कभी घटता नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखो जब भी किसी बल को अपन चार्ज प्लस दें अथवा माइनस दें हमेशा उसका साइज बढ़ेगा, और वैसे भी देखो प्लस प्लस देंगे तो रिपल्शन है, माइनस देंगे तो आपस में रिपल्शन होगा, तो साइज हमेशा आपका क्या होगा बढ़ जाएगा। इसका सेकंड आंसर अपन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये कर रहा है, सिंपल है क्वेश्चन ये भी, हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके दो कोनों पे रखे हैं अपन ने कैपिटल क्यू चार्ज और अदर दो हैं उन पर रखा है अपन ने स्मॉल क्यू चार्ज। तो ये पूछा है कैपिटल क्यू पे फोर्स के जीरो होने के लिए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू रेशियो क्या होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपका सिंपल ऐसे है कि ये मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके यहाँ दो चार्ज रखे हम लोगों ने और अपोजिट जो आपका डायगोनल है वहां रखा अपन ने कितना स्मॉल स्मॉल क्यू चार्ज। अब यहाँ दोनों ध्यान देना है, आपसे पूछा है फोर्स कैपिटल क्यू पे जीरो होने के लिए है ना, तो गति से ऐसा नहीं कि आप हर किसी पे फोर्स निकालो जीरो, तो इस वाले में फोर्स आपको जीरो करना है। अब यहाँ फोर्स पर निकाले मान लो इसकी मैं जो साइड है उसको मान लो ए मान लेता हूँ, ठीक है भाई मान लिया ए। अब इस कैपिटल क्यू में फोर्स इस कैपिटल स्मॉल क्यू का भी है इस स्मॉल क्यू का भी है, तो पहले अगर इसका फोर्स अपन देखें यहाँ पे दोनों सारे कैसे मान लो आइडेंटिकल मान लो प्लस प्लस मान लो, इसका फोर्स इस तरफ आ गया इसको मैं एफ मान लेता हूँ, इसका फोर्स इस तरफ मैं इसको एफ मानता हूँ, यहाँ पर किस एंगल पे 90 एंगल गया एफ और अब देखो यहाँ चार्ज क्यू ये दोनों सारे आपके सिमेट्रिकल हैं, डिस्टेंस भी इसके सिमेट्रिकल हैं, तो फोर्स आपस में बराबर आएंगे। अब दोनों इक्वल फोर्स से 90 डिग्री पे हैं तो इनका नेट कितना आपका हो गया √2f आ गया, कोई समस्या नहीं। अब ये √2f ओनली इस एक का है, तो अगर एक f लिख दूं यहां पे तो k कैपिटल q * स्मॉल q अपॉन कितना a2 ये मेरे पास वैल्यू है, जोड़ पड़े सुपर पुट कर देंगे। अब सुनो इस कैपिटल q का भी इसमें यहां पे फोर्स है वो भी आप जोड़ दें यहां पे इस तरफ देखो ये का दोनों f डैश, अब ये f डैश + √2f और क्वेश्चन डिमांड क्या है होने का कितना जीरो होना चाहिए, f डैश वैसे है कितना ये डिस्टेंस और a, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया √2a। f डैश को यहां मैं लिख दूंगा अभी देखो, तो सिंपल सी कहानी ये कि f डैश + √2f बराबर कितना होना चाहिए जीरो, जीरो होना चाहिए। अब फोर्स हम लोग जानते हैं f डैश मेरे पास क्या था, या इसको अपन इक्वल कर दें तो f डैश इक्वल कर दूंगा माइनस का √2f। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, देखो यहां देखें f डैश मेरे पास कितना, तो k और यहां कैपिटल q कैपिटल q कैपिटल q * कैपिटल q अपॉन इसका स्क्वायर तो 2a² इज इक्वल टू माइनस हम कहते हैं √2f, देखो √2 × f हमारे पास था k कैपिटल q * स्मॉल q अपॉन a² अब इसको सॉल्व करेंगे तो a कैपिटल q से कैपिटल कैंसिल हो गया और k से आपका k कैंसिल हो गया a² से आपका a² कैंसिल हो गया और आपसे पूछा है कैपिटल q अपॉन स्मॉल q कितना रेशियो होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल q अपॉन स्मॉल q हो जाएगा -√2। अगर ये प्रश्न आपसे उल्टा पूछता कि इस पे जीरो हो जस्ट 1 अपॉन आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू यहाँ पे है माइनस का √2। आप चेक करना आराम से स्मॉल क्यू पूछेगा ना फोर्स, तो उस केस में कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू आपका 1 माइनस रहेगा और -1 अपॉन कितना √2 आंसर आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल भी अवेयर कि आपसे पूछा किस पे फोर्स जीरो है कैपिटल क्यू पे या स्मॉल क्यू पे, तो सर ठीक है बढ़े आगे पर, तो यहाँ इसका आंसर क्या जाएगा ये -2 √2 आ जाएगा, हालांकि यहाँ तो ऑप्शन है भी नहीं -1 अपॉन √2
तो कोई इश्यू भी नहीं है, फिर भी ध्यान देना है, दोनों आपके यहाँ संभावनाएं ले सकते हो। तो अपना क्वेश्चन ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक मूविंग चार्ज होता है उसके साथ जो एनर्जी रिलेटेड होती है वो कौन सी टाइप की होती है। तो आपको मालूम है मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस रूप में इसकी एनर्जी कौन सी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर रूप में इसके पास सराउंडिंग में एनर्जी होती है, और बी के रूप में है तो इसके अपन कहते हैं बी स्क्वायर अपॉन, ये आपका बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। तो जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां हमेशा इस रूप में एनर्जी आपके स्टोर रहती है, चाहे वो स्पेस का पार्ट हो चाहे कहीं किसी सिस्टम का पार्ट हो, ऐसे जहां बी होता है वहां इस रूप में होती है। अब अपन जानते हैं मूविंग चार्ज दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ई भी है और बी है, इसका मतलब उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है ई और बी के रूप में। तो आपका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें क्वेश्चन आपका है कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो किस प्रकार से फोर्स फील करता है। सिंपल क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में जा रहे या रखे हुए एक पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है किस प्रकार, और भी क्या कुछ है आपने, उसका परिमाण किस पर डिपेंड करता है, परिमाण में दिशा शामिल नहीं होती है, हमेशा प्लस का अपन यूज करते हैं। तो आपका सिंपल क्वेश्चन ये कि मान लो कोई पॉइंट ये है, यहां मैंने कोई चार्ज क्यू पुट किया, यहां पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई रहा होगा और इस पे यानी इस ई ने यहां पे कितना फोर्स अप्लाई किया है, तो एफ हम जानते हैं एफ इक्वल कितना क्यू इनटू ई होता है। तो यहां डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो ये उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है जिस पे फोर्स आपको फाइंड करना है, और ई वो फील्ड है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड है वो इसकी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा। तो आपसे पूछा है डिपेंड किस पे करता है, कण की आवेश पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, कण के वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पे नहीं कर रहा है, परिमाण की बात कर रहे हैं, कण के मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। बढ़िया के भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखना जरा क्या बोल रहा है। बोला है कि त्रिज्या r1 का एक हमारे पास एक ठोस गोला है, ठीक है, जिसकी हमें जो चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो है रो नॉट बाय r, चार्ज डेंसिटी जो है वो r के साथ वेरी कर रही है। इसी के चारों तरफ एक r2 रेडियस का एक सेल है जिसपे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और बोला है अगर कंप्लीट सिस्टम पर नेट चार्ज जीरो है तो r2 बाय r1 का रेशियो पूछा। तो पहले तो मैं अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज निकाल लेता हूं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से r पे जाके dr थिकनेस का एक स्फेरिकल एलिमेंट लिया है मैंने, तो इस स्फीयर के लिए अगर मैं छोटा सा चार्ज dq लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी रो इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर एरिया इनटू इसकी थिकनेस dr। तो इसको 0 से r1 तक इंटीग्रेशन कर देते हैं हम इसका, तो यहां से हमारे पास अंदर के चार्ज की वैल्यू आ गई q1 की, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आउटर सरफेस पे देखूं तो आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म डेंसिटी दे रखी है, तो q2 की वैल्यू डायरेक्ट हम सिग्मा इनटू एरिया से लिख सकते हैं, तो यहां से q2 की वैल्यू आ गई। अब बोला है कि टोटल 0 है, तो टोटल 0 करने के लिए हमने q1 q2 की वैल्यू जो है सम करके जीरो के इक्वल करा दी, तो यहां से सॉल्व करने पर r2 / r1 का रेशियो आ जाएगा रूट रो नॉट अपॉन 2 सिग्मा। तो इसका आंसर आपका हो गया, इस आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, थर्ड। ओके बढ़े नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता, देखें निम्न में से कौन सा एक विकल्प स्थिर वैद्युत की बल रेखाओं का गुण नहीं है, क्लियर नहीं है बोला है, तो बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं बिना किसी अवरोध के, तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो हमारे को हमेशा कंटीन्यूअस कर्व बनाती हैं, इनके अलावा दो बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी सही हो गया। बोला है बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश तक समाप्त होती हैं, ये भी सही बात है, ये बंद वक्र बनाती है, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रॉन्ग है, प्रश्न रॉन्ग ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑफ ऑल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बच्चे आराम से जानते हैं। आप देखिए अब इस क्वेश्चन को हम देखें क्या कर रहा है कि टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, और इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ है उसको अपन ले लें कितना स्मॉल एल और ये स्मॉल एल, और ये दो पिथ बॉल है दोनों को सेम चार्ज अपन दे रखा है, और ये इनिशियली इस कंडीशन में है कि यहाँ इसके कॉमन पॉइंट से ये जो इसकी हाइट है वो दे रखी है अपने को y, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है अपने को स्मॉल r। तो अगर हम इसमें यहाँ पे फोर्स को बैलेंस करें हल्का सा, तो देखिए यहाँ पे नीचे फोर्स आपका लग रहा है mg, ठीक है भाई, और ये इसका टेंशन फोर्स अपन ले लें t, इस एंगल थीटा पर मान लें, तो ऐसी स्थिति में आप देखो इसको अपन थीटा कर सकते हैं ना, तो इसके अपन कहें कंपोनेंट ये आपका हो गया t cos थीटा और ये हो गया आपका t sin थीटा,
साथ में दोनों चार्ज भी हैं, इसका चार्ज अपन क्यू मान लें, इसको भी अपन क्यू मान लें, तो इनके बीच कूलम्ब फोर्स भी है रिपल्शन का, तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिंपल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपका एफ ही मान लो चाहिए इसमें। अब देखो यहीं से देखें आप, टी साइन इक्वल टू मेरे पास ये है बैलेंस कंडीशन है, तो टी साइन इक्वल टू दिस और टी कोस अपॉन दिस, ये पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब पहले क्वेश्चन में दूसरे से अपन डिवाइड करेंगे, टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, अब टेन है क्या, टेन वैसे तो साइन में कितना, ये एफ ई, एफ ई अपॉन क्या हो गया आपका एम जी। ठीक है, अब एफ ई में डिस्टेंस कैसे, वन अपॉन आर स्क्वायर है, ओनली डिस्टेंस का अकेला अपन देखना यहां पर, तो लिख दो यहां पर एफ ई मेरे पास कितना के और एक क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर और ये इंटू एम जी। अब टेन थीटा अपन देखेंगे, तो देखो यहां पर इसी में हमारे पास ये डिस्टेंस टोटल कितनी r है, तो इसको अपन करते हैं r by 2, ये नो थीटा, तो ये भी आपका थीटा ही होता है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है y हाइट है इसकी और ये इसका r by 2, और अपन जानते हैं tan होता है क्या थीटा के, इस एंगल थीटा होने पर ये आपका परपेंडिकुलर इसका बेस और ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना, तो tan क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी r by 2 अपॉन y, तो इसमें tan के स्थान पर क्या लिखता हूं, r by 2 अपॉन y इज इक्वल टू मेरे पास है k जो कि आपका q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू mg। अब अगले क्वेश्चन में देखो, एक हमने क्या किया, यहां पे कोई आपने कोई मान लो बीड यानी कोई मोती आपने पिरो रखा है, उसको अपन यहां से नीचे लेके आएंगे, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल दोनों लेंथ यहां से कम होगी, और ये कह रहा है कि अगर मैं इसको यहां से इस तरह से शिफ्ट करते हुए यहां तक ले आता हूं, जिसमें ये हमने कितना यहां शिफ्ट किया है, रखा है y / 2, y / 2 से इसको नीचे शिफ्ट करने के पश्चात अब दोनों चार्ज है उनके बीच का नया सेपरेशन r डैश कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, इसका चार्ज आपके वही रह रहे हैं, सिर्फ अपने y को r के साथ लिंक करना है, बाकी सबको यहां मानना है कांस्टेंट। तो देखें भाई मेरे पास अकेला यहां पर, इसको मैं यहां ले आता हूं, ये r स्क्वायर एक r, r स्क्वायर इनटू r कितना r क्यूब, भाई यहां ले लिया मैंने, तो देखो मेरे पास ये r की पावर क्यूब इज इक्वल टू कितना है, यहां पर प्रोपोर्शनल टू y बन गया, बस यहीं से आपको क्वेश्चन आपको देखना है, तो अब इसमें कोई इशू है नहीं, आपको पूछिए नहीं डिस्टेंस r के रूप में, तो r प्रोपोर्शनल बन गया y की पावर 1/3, तो आप लिखिए इसको r डैश / r इज इक्वल टू y डैश अपॉन y की पावर 1/3, और y डैश कितना है पहले का आधा, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 की पावर 1/3, इसका मतलब यहां इसको अपन लिखेंगे तो 1/2 की पावर 1/3 आ गया, ये हमारे पास है r डैश अपॉन r, तो r डैश अपन कितना लिख देंगे r अपॉन 2 की पावर 1/3, तो ये इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्यों सर बढ़िया आगे बिल्कुल सर। ओके नेक्स्ट देखना, देखो ये कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू माइनस क्यू 2Q और 2Q आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लो ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर कोने पे हमने चार चार्ज दे रखे हैं, कैसे, तो माइनस का कैपिटल क्यू, ये माइनस का स्मॉल क्यू, माइनस का 2Q और ये आपका प्लस का 2Q, ऐसे अपने चार्ज रखे हैं और आपसे ये पूछा है द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। एक कॉमन सी बात देखो, जब भी हम लोग किसी भी यूनिफॉर्म पॉलीगॉन, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है या हमारे पास कोई स्क्वायर है या कोई आपका यूनिफॉर्म पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है, कोई भी आपका या बहुत सी साइड उसकी हो सकती है, जब भी हम किसी भी यूनिफॉर्म पॉलीगॉन की सारे साइड्स पर कैसे भी चार्ज रख दें, और हमको तो क्या कह रहा है, देखो यहां जब भी एक तो दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, या तो आपको चार्ज देकर के सेंटर पे पूछेगा पोटेंशियल, यहां से पूछेगा कि चार्ज देने के बाद में सेंटर पे पोटेंशियल के जीरो होने के लिए तो चार्ज आप रखे उनके बीच क्या रिलेशन है, तो हमने कहा कि v टोटल आपका कितना k समथिंग बाय r, हम चार्ज जोड़ देंगे यहां पुट कर देंगे इसका अपन निकालेंगे, पर आपको पूछा ये जीरो होना चाहिए, तो समेशन क्यू कितना करोगे भाई, जीरो, सबका जोड़ कर दो, जीरो कर दो, तो सिंपल है, इसमें कुछ करने के, अगर ये चीज दिमाग पहले से क्लियर है तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल दिमाग को क्लियर करना है, बस वो जोड़ दो इसमें कितना दो, माइनस का कैपिटल क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू, प्लस का 2Q और प्लस का कितना, एक मिनट रुको भाई, इसे उठाओ भी अपने काम का ही नहीं है, सब समझ लिया अपन, देखो ये है माइनस का कैपिटल क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू, प्लस का 2Q और प्लस का 2 कैपिटल क्यू बराबर 0, 0, इसे सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास तो एक कैपिटल क्यू से कैंसिल, स्मॉल क्यू से एक कैंसिल, तो एक क्यू प्लस कैपिटल क्यू बराबर जीरो आया सर। बिल्कुल सर, तो कैपिटल क्यू कितना माइनस क्यू आ जाएगा, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा। तो दोनों क्वेश्चन की थीम आपको साथ लेके चलनी है और हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये प्रश्न बोला है कि एक आवेश क्यू को दो भागों में इस तरह से हमें बांटा है कि एक क्यू है दूसरा क्यू माइनस क्यू है और उनके बीच जो लगा हुआ बल जो है वो हमें अधिकतम चाहिए तो क्यू बाई क्यू का रेशियो होगा। तो देखो ये हमारे पास क्यू, इसको हमने दो भागों में ऐसे बांट दिया कि एक तो हो गया क्यू दूसरा हो गया क्यू माइनस क्यू। बीच का सेपरेशन मैं मान लेता हूँ आर, तो इन चार्जेस का वेरिएशन देखना है आर को सेम रखते हुए तो फोर्स मैक्सिमम चाहिए। तो फोर्स क्या हो गया के क्यू इन टू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जब ये मैक्सिमम होगा तभी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो बेसिकली मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैं नाम लेता हूँ वाई, तो ये बन जाएगा क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, वैसे उस रिलेशन को हम काम में ले सकते हैं। तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो वाई डैश आ जाएगा स्मॉल क्यू का हो जाएगा डिफरेंशिएशन वन, क्यू क्यू स्क्वायर का हो जाएगा टू क्यू, और इसको जीरो के बराबर करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्यू वाई क्यू की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास टू आ गई। तो मैक्सिमम होने के लिए जो फोर्स है जो रिलेशन जो है वो कितना हो जाएगा, रेशो 2 हो जाएगा एंड दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। बेसिकली हाफ हाफ हमने डिवाइड कर दिया ताकि मैक्सिमम फोर्स, और ये दोनों में किसी आता है ग्रेविटेशन का भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी। हां कैपिटल मास m है उसको अपन स्मॉल m कैपिटल m में डिवाइड कर देंगे तो भी ऐसा आता है, दोनों हाफ हाफ करेंगे तो ही क्वेश्चन में आपका फोर्स है मैक्सिमम आ जाएगा, सेम डिस्टेंस बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। तो दोनों जगह इस काम में ले सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। देखो यहां कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, two particles of equal mass m and charge small q are placed at a distance of 16 cm. Oh. Then, sorry, they do not experience any force. The value of q by m is. तो देखो, हमारे पास दो ये चार्ज हैं जिसके मास भी आपको दे रखे हैं और साथ में इनके चार्ज भी आपको दे रखे हैं। ये कह रहा है कि कोई बल अनुभव नहीं कर रहा है। मान लो इस पे पर बात करते हैं, यहाँ पर दोनों सेम चार्ज हैं तो इस पे रिपल्सिव फोर्स आपका लग गया तो दोनों मास दे रखे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगना है, तो वो फोर्स आपका अट्रैक्शन का होता है, वो अपन लिखे जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पार्टिकल कोई फोर्स फील नहीं करेगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसको इससे रेड कर देंगे और रेड करने पे आपका ये आंसर फोर्थ आ जाएगा, ये खुद ही आप अच्छे कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंडक्शन का कांसेप्ट यहां पे लेना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम। हमारे पास बी और सी, मान लो ये बी है कोई, ये कोई है सी, ये बी और सी दो हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, दोनों सेम रेडियस के हैं, दोनों हमारे साथ सेम रेडियस के आपको दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब देखो सुनो क्या कर रहा है कि दोनों को हमने चार्ज दे रखा है सेम, मान लो क्यू चार्ज इसको दिया क्यू इसको दिया और इनके बीच का डिस्टेंस है उसको मैं डी मान लेता हूं, तब इनके बीच का जो फोर्स है वो आपको एफ कर देना चाहिए और वे है कितना के एफ स्क्वायर अपॉन डी, मान लो डी स्क्वायर, ये पहला फोर्स दे रखा आपने इनिशियल कंडीशन में। अब सुन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सेम रेडियस का दूसरा कोई अनचार्ज्ड, सेम रेडियस का दूसरा हमारे पास कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर है जिसको पहले अपन B से टच कराते हैं फिर उसको अपन C से टच कराते हैं उसको हटा देते हैं। अब पूछा है कि B और C का फोर्स कितना है, तो क्वेश्चन ये आपका बन गया कि हमारे पास ये कोई दूसरा एक A मान लेता हूं, इसकी भी R रेडियस ही है, इसको पहले हमने इससे टच किया और हटा लिया, फिर इससे टच किया और हटा दिया, फिर आपके पास B और C पहले से पड़े उनके बीच आपको फोर्स निकालना है। तो देखो जैसे इसको अपन टच करेंगे तो इनिशियली इसके पास चार्ज कितना है, जीरो है, दोनों सेम रेडियस के हैं। जब दो सेम रेडियस की कंडक्टिंग स्फीयर को आप टच करेंगे उसको सेपरेट करेंगे तो हमेशा टोटल जो चार्ज होता है उसका हाफ हाफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखिए इसके पास चार्ज जीरो है, इसके पास कितना क्यू है, टोटल चार्ज कितना पहले से आप देखें तो क्यू हो गया। अब जैसे इनको टच करके सेपरेट करेंगे तो इसके पास भी चार्ज कितना रह गया, क्यू बटा दो बाद कैसे ना, और इसके पास भी कितना आ गया चार्ज, क्यू बाई टू। अब ये है इसके टच करने के बाद हटाने के बाद कंडीशन। आप सुनो जी, इसके पास अभी चार्ज कितना स्मॉल क्यू है, अब आप क्यू बाई टू के ए को इसे टच करेंगे, ध्यान दो कि आपका क्यू प्लस क्यू बाई टू कितना हो गया 3 बाई टू क्यू, ठीक है। अब जैसे 3 बाई टू टोटल चार्ज हो गया और इनको अपन सेपरेट करेंगे
तो हाफ हाफ फिर डिस्प्यूट होगा, तो जो 3/2 क्यू था उसका हाफ 3/4 क्यू हो गया। अब देखो इसके पास चार्ज कितना लगा 3/4 क्यू, इसको भी आपने सेपरेट किया था, इसके पास भी फाइनल चार्ज आपके पास कितना 3/4 क्यू आ गया। अब इसने ये चार्ज इन दोनों की हेल्प से लिया, इसको ओपन कर दिया यहाँ से फ्री। अब पूछा है ये सारी प्रोसेस होने के पश्चात अब इन दोनों के बीच फोर्स कितना है, तो अपन लिखेंगे इसको एफ डेस हमारे पास है के इनटू ये आपका क्यू बाय टू इनटू कितना 3/4 क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो आपकी वही है डी स्क्वायर। तो यहां से अपन देखें तो 3/8 हो गया है ना, ये देखो 3/8 और बचा फोर्स आपका कितना के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ही है, तो ये आप कह सकते हो एफ डेस इक्वल टू कितना 3/8 एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कर देंगे कितना 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया आगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर। बोला जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा। बिल्कुल, कि ये कोई वस्तु है, ये हमारे पास पृथ्वी है और पृथ्वी का हमें पता है कि ध्रुव हम क्या मानते हैं, 0 वोल्ट मानते हैं। अब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स किधर गए हैं, पृथ्वी की तरफ। बिल्कुल राइट, क्या बोला पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन गए, पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन गए, तो मैं ये मान सकता हूं कि वस्तु से पृथ्वी की तरफ पॉजिटिव चार्ज गया। अब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है हाई पोटेंशियल पर रही होगी। अब हाई पोटेंशियल पर रही होगी इसके रेस्पेक्ट में, मतलब डेफिनेटली इस पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, वस्तु धनावेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपन जो ठीक जो स्टार्टिंग में अपने बात की थी उसी बेस पे आ गया। मैंने वहां आपको बताया था कि दो चार्ज हैं आपको दे रखे हैं, एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर सर्व करते हैं। उन सारी कंडीशंस में जब डिस्टेंस कांस्टेंट, मैंने कहा था आपको कि एफ प्रोपोर्शनल टू कितना है q1 into q2 और इसमें एफ डेस बाई एफ हमेशा बना लिया करो, और ये आपका बन गया q1 डेस into q2 डेस अपॉन कितना q1 into q2। अब ओनली वैल्यू आपको पुट करनी है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो हमारे पास चार्ज हैं, पहले कितना है +7 और -5, तो चार्ज की नेचर से तो आपका नेचर ऑफ फोर्स आपको रिपल्सिव है या अट्रैक्शन वो मालूम होगा, वो भी ध्यान देना है, वो भी कई बार क्या क्वेश्चंस में ऑप्शन के अंदर प्लस माइनस कहीं है, तो वहां नेचर ऑफ चार्ज के आधार पे अपन लोग नेचर ऑफ फोर्स भी पता कर पाएंगे, पर यहां तो सारे फोर्स कैसे आपके प्लस दे रखे हैं तो वहां कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास q1 कितना है 7 माइक्रो, तो ओनली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं मैग्नीट्यूड में, इनटू कितना चलो -5 बढ़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ज पहले से है। अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक को -2 माइक्रो हम एक्स्ट्रा चार्ज दे दें, इसको मैंने -2 दिया तो कितना हो गया +5 इनटू इसको हमने दिया -2 तो हो गया -9 ये लो -7 हो गया, ये तो सेम ही रह गया अभी है ना, तो रेशियो 1:1 इसका मतलब फोर्स आपका उतना ही बना रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर अपन एफ कर सकते हैं। बढ़ेंगे सर, तो बढ़ गया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला त्रिज्या आर और कुल आवेश क्यू वाले एक ठोस गोले पर आवेश घनत्व जो है वो ये दे रखा है। अब देखो आवेश घनत्व जो है ना वो आर के साथ जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएबल है, हर जगह आवेश समान रूप से वितरित नहीं है। तो गोले के केंद्र से r1 दूरी पर गोले के अंदर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो देखना जरा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, r1 रेडियस का जो स्फीयर होगा उसके अंदर कितना चार्ज आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेम हमने क्या किया, आर रेडियस पे जाके dr थिकनेस का एक स्फेरिकल एलिमेंट ले लिया, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा dq, वो हम लिख सकते हैं इस r इस स्फीयर के लिए डेंसिटी रो, क्योंकि बेसिकली ये r और r + dr, यहां r इस ये जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम है, तो इस पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए मैं रो को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो इस एलिमेंट के लिए जो चार्ज लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रो इनटू इसका एरिया 4πr² साथ में थिकनेस dr, बेसिकली रो इनटू वॉल्यूम कर दिया। अब रो की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो ये पुट किया हमने लिमिट लगाई 0 से r1 तक, तो इसके अंदर का चार्ज आ गया हमारे पास qr1 की पावर 4 बाय कैपिटल r की पावर 4। अब हमें r1 पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो स्फेरिकल सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि यहां हर डायरेक्शन में अगर देखो तो r रेडियस पर जाकर ये जो e की वैल्यू है यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह रेडिएट आउटवर्ड होगी और सेम होगी, तो गॉस लॉ अप्लाई करने पर e(dA) जो कि बेसिकली हमारे पास 4πr² हो जाएगा, तो E into A बराबर हो जाएगा Qn upon epsilon naught। Qn की वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर चुके थे, पुट किया हमने, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाए वैल्यू आ जाएगी qr² upon 4πε₀ r^4। तो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा थर्ड आंसर। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से चेक कर लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, तो अपन जानते हैं किसी भी जो आपके स्फेरिकल सेल होता है उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड ए परफेक्ट कंडक्टर इज, तो जितने भी आपके कंडक्टर होते हैं उनको अपन चार्ज करते हैं, मान लो कंडक्टर आपका सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है या कोई इस प्रकार की कोई बॉडी है, अगर मान लो इस पॉइंट की इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, और मान लो इस पॉइंट की इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अलग अलग पॉइंट अलग हो सकती है, मैं मान लेता हूँ कि ऐसे है, तो ऐसे में जो इसके सरफेस के ठीक बाहर के पॉइंट जस्ट कि इसका जो नेबरिंग पॉइंट है यहाँ पर इसके ठीक पास वाले पॉइंट पे ई जो हमेशा होता है ई आपका होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझे। और कैसे होता है चार्ज, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ध्यान देना है प्लस का अगर चार्ज है तो हमेशा इसकी सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड हर पॉइंट पे, आप देखो यहां होगा तो इसके नॉर्मली आउटवर्ड, यहां होगा तो इसके नॉर्मली आउटवर्ड, हर पॉइंट पे इस तरह से इसका नॉर्मली आउटवर्ड चार्ज के प्लस होने पे और माइनस होने पे नॉर्मली आपका इनवर्ड हो जाएगा, पर हमें ऐसा होगा कैसा कि आपका नॉर्मली आउटवर्ड यानी लंबवत बाहर की तरफ या लंबवत अंदर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और फिक्स है कि आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सरफेस की ठीक 90 होता है। इस तरह से और भी दो क्वेश्चन आएंगे वहां भी इसको अपन काम में ले सकते हैं। ये बेसिक आपका क्वेश्चन देखो इसमें क्या कर रहा है कि ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, कि मान लो यहां एक पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट पे हमने चार्ज कैपिटल क्यू को प्लस प्लस क्यू को रखा हुआ है यहां पर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, ए से बी तक हम लोगों को एक चार्ज को ले जाना है, चार्ज हमारे पास कितना है प्लस का क्यू है, इसको यहां से यहां ले जाने में कितना कार्य करना होगा द स्ट्रेट लाइन, तो पहले इसमें ये चेक करो कि कार्य यहाँ पे मैन इक्वेशंस में यहां पर गलती क्या कर बैठते हैं, आपसे या तो पूछता है वर्डन बाय फील्ड या पूछता है वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड बाह्य कार्य अथवा क्षेत्र द्वारा कार्य आपसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पहला आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बटन पूछा कौन से वाला है, ध्यान दो द वर्क डन इन टेकिंग यानी इसको ले जाने में इसका मतलब भाव आपका क्या पैदा हो रहा है कि हमें बाहर से कितना बटन करना पड़ रहा है वो आपको फाइंड करना है। अब ये सब चेक करने के बाद देखो इसमें दो फॉर्मूले बहुत बेसिकली है, वो ये है कि जब भी हमको फाइंड करना हो एक्सटर्नल वर्क डन वो हमेशा होता है कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंट में आपका डेल्टा यू, यानी ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू टू माइनस का यू वन, और जब भी आपको निकालना हो बाई फील्ड बाई फील्ड आपको निकालना हो तो माइनस का डेल्टा यू यानी यू वन माइनस यू टू माइनस, उसमें पहले से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। ये फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा काम किए हैं पूरे डायनेमिक्स में, कहीं पर भी कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है फिर हम लोगों को इस प्रकार से कार्य निकालने हो बाई एक्सटर्नल एजेंट या कौन सा बाई फील्ड, तो आप इसको फॉलो करेंगे। हमको पूछा है कौन सा एक्सटर्नल वर्क डन, तो यू टू माइनस यू वन अपन ले लेंगे, तो देखो आओ यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ ये चार्ज रखा था प्लस का क्यू, यहाँ रखा आपने कैपिटल क्यू, इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ एक तरह से टू पार्टी सिस्टम बन गया, यहाँ भी टू पार्टी सिस्टम है, कैसे भी करो आपको आपको निकालना है W एक्सटर्नल, तो देखो आप यहाँ इसकी एनर्जी कितनी इनिशियल और आपकी फाइनल, तो मैं पहले कहता हूँ यू फाइनल, तो कहता हूँ के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन, देखो ये डिस्टेंस कितनी जीरो बी होने पर आपका बी हो गया, माइनस इसकी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए, इसमें से अपन के क्यू क्यू कॉमन ले लेंगे, फिर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए आपका सही है, एल से यहां पर ए इंटू बी आ गया, ए माइनस बी आ गया, तो मेरे हिसाब से ए माइनस बी अपॉन ए बी वाला फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। मैं लिख वन सर्ट आपको ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन तो ओनली थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिक्स का है, ओपन कर लेंगे। सर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में हमें जो है पोटेंशियल का जो है पोजीशन के साथ वेरिएशन दे रखा है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, और बोला है कि किसी जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है बेसिकली, ठीक है, तो हम उसके कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करें कि एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए डीवी बाय डीएक्स कर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को एज अ कांस्टेंट व्यू कराना है, ठीक है, y कंपोनेंट के लिए dvy dy कर दो प्लस dvy g, तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो करते हैं बिल्कुल बच्चे कर लेंगे इसमें,
तो आप पार्टिकल हाँ, आपको बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशिएशन करके सॉल्व, बस इसमें इतना है कि x के साथ अपन कर रहे हैं तो y डबल y और z को कांस्टेंट मानना है, y के टाइम पे x और z को कांस्टेंट मानना, बिल्कुल बिल्कुल ये बच्चे बहुत आसान है कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा हमसे कि एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स एज शोन इन द लाइंस ऑफ फोर्सेस लुक लाइक, तो फोर्स लाइन कैसे होती है, तो फोर्स लाइन की अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो अपन जानते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है कभी वहां फील्ड लाइन से इंटर नहीं करती है, और मेटल सरफेस की हमेशा फील्ड लाइन कैसे होती है, नॉर्मली होती है। अब मैंने कहा था अभी कुछ देर बात करी थी चार्ज प्लस है तो अभिप्रोम सरफेस और नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, तो बेसिक लो इसमें ये कहानी इतनी देखो कि हमारे पास दो प्लेटें हुई, यहाँ चार्ज है प्लस, ये चार्ज है हमारा कौन सा माइनस, यहाँ रखा है अपने मेटेलिक बॉडी, चार्ज के इंड्यूस होने पे प्लस होने पे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे कौन सा आपका चार्ज प्लस आएगा। अब देखो ये प्लेन सरफेस है मेटल सरफेस, यहाँ से फील्ड लाइन्स जो बनेंगी इसकी उसको अपन देखें तो देखो ये फील्ड लाइन्स यहाँ इसकी नॉर्मली आउटवर्ड होगी और नॉर्मली इसमें इंटर होगी, अंदर की आप जानते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कितना जीरो होता है, और यहाँ फील्ड लाइन्स आपकी वापस स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लस स्टार्ट माइनस पे एंड, जहाँ ई जीरो वहाँ फील्ड लाइन्स नहीं होती है फिर वापस स्टार्ट हो जाएंगी, अब यहाँ से नॉर्मल निकलेंगी और नॉर्मली इंटर होंगी, अंदर ई जीरो है तो ये इस तरह से इसकी फील्ड लाइन्स आपकी यू बन जाएगी। अब इस प्रकार का जो भी व्यू बन रहा है वो आप आराम से देख सकते हैं, तो आपका देखो आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा हम दे लेते हैं, देखो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत है सर, ई इंटर कर रही है पॉसिबल नहीं है, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, बढ़िया के ओके। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ अब क्या पूछा है देखो कि इन फिगर प्लस टू चार्ज इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब ड्यू टू प्लस टू चार्ज, यहाँ हमने चार्ज को प्लेस कर रखा है इस प्लस टू चार्ज से, एक तो ये पूछता है कि इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, नीचे भी इसकी और बहुत सारे फेस है इससे कितना पास हो रहा है, आप हमेशा क्वेश्चन को रीड करके ये पता लगा लो कि यहाँ पूछा क्या हम लोगों को है इस क्यू चार्ज के कारण इस गिवन क्यूब से कितना फ्लक्स थ्रू हो रहा है पास हो रहा है वो आपको फाइंड करना है, तो मालूम है चार्ज हमने रखा था एक साइड के मिड पे रखा है, इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपको इस तरह से 1 2 3 4 4 आपको क्यूब रखने पड़ेंगे, 4 क्यूब इसको पूरा इनक्लोज कर पाएंगे, इसका मतलब मैं कहता हूं कि 4 5 ईच यानी चार जो क्यूब है उनसे टोटल कितना फ्लक्स होगा जो कि एक चार्ज पूरे को यहाँ पे इनक्लोज करे हुए हैं, तो कर दो यहाँ पे क्यू अपॉन एब्सोल्यूट, सिंपल सी कहानी है कि देखो ये चार्ज क्यों रखा है इसको पूरा का पूरा इनक्लोज करने के लिए कम से कम कितने आपको चाहिए इस प्रकार के क्यूब, तो आप बोलेंगे सर 4 क्यूब चाहिए, तो 4 क्यूब है उससे टोटल से कितना फ्लक्स निकल रहा है क्यू बाई एब्सोल्यूट, तो हम निकालेंगे यहाँ पर 5 ईच को कितना आपका क्यू अपॉन 4 एब्सोल्यूट हो गया, पर ध्यान देना कि इसमें चार्ज यहाँ रखे होने पर इसको टच करने वाला जो फेस है कौन सा ये वाला और ये वाला इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होता है आपका जीरो, ताकि रिमेनिंग जो है उनसे फ्लक्स आपका पास थ्रू होता है, तो आपसे पूछता है गलती से कि इससे कितना निकल रहा है जीरो है, इससे कितना जीरो, अदर जो है उनसे अगर पूछता अलग से तो क्यू अपॉन 16 भी अपन कर पाते, पर यहाँ तो पूछा है एक क्यूब से कितना निकलता है तो आपका आंसर कितना सर आपका 4th वाला आंसर हो जाएगा, बढ़िया के नेक्स्ट ये अपन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस हार्डनेस सिग्मा इज गिवन बाय, अभी हम डिस्कस कर रहे थे चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म दोनों केसेस में हमेशा ये कैसा नॉर्मली प्लस होने पे आउटवर्ड और माइनस होने पे कैसा इनवर्ड, तो आपका आंसर ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, तो थर्ड इसका आंसर अपन आराम से ठीक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सर क्या कर रहा है, बोला इसमें थोड़ी सी मैं शुक्र बताऊंगा हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें क्या कई इसकी संभावना है उसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको कई चीजें और दे रहा हूँ। जब भी अपन कभी भी मान लो हमारे पास बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये क्वेश्चन सर ने बनाया था पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, हमारे पास बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स हैं और मान लो इसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर है, इस पे चार्ज कितना स्मॉल क्यू है, मान लो हमारे पास एन आइडेंटिटी ड्रॉप्स है, इन एन को हम मिक्स करके क्या कर रहे हैं एक लास्ट ड्रॉप है वो बना रहे हैं, ठीक है भाई। अब लास्ट ड्रॉप बनने के बाद आपसे क्वेश्चन की वैरायटी क्या बनती है, सब देखो इसके पास स्मॉल क्यू है एन ड्रॉप्स हैं, आपने एक ड्रॉप बना ली चार्ज हमेशा कमजोर रहेगा तो टोटल चार्ज कितना एन इंटू क्यू आ गया 10 है, 10 क्यू आ गया 20 तो 20 क्यू आ गया, तो चार्ज तो कमजोर उसमें कोई लफड़ा नहीं है, पर यहाँ जो ड्रॉप्स हैं वो दो तरह की हो सकती है, या तो कौन सी आपकी कंडक्टिंग या कौन सी नॉन कंडक्टिंग, मान लो आप रखिए मरकरी दे रखा मरकरी वो तो मेटल होता है, तो अगर वो लिक्विड की मेटल के रूप में दे रखी है तो उसके इसमें चार्ज कहाँ सरफेस पे आएगा, तो चार्ज सरफेस पे होगा तो चार्ज डेंसिटी के रूप में अपन सिग्मा यूज कर पाएंगे, पर गलती से आपको ये दे दे
कि ये आपकी ड्रॉप्स कैसी हैं, नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ चार्ज कहाँ होगा इसके वॉल्यूम के अंदर, तो आपको रो कंसिडर करना है। बस बेसिक डिफरेंस ध्यान कर लो, अगर ये कंडक्टिंग है तो सरफेस पे चार्ज है तो अपन सिग्मा यूज करेंगे, और अगर इसमें चार्ज दे रखा है कौन सा अंदर, यानी दे रखी है नॉन मेटेलिक, तो चार्ज अंदर होगा तो रो आएगा, तो सिग्मा रो का एक फर्क आ गया। अब मोस्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं मर्करी की बनी हुई ड्रॉप्स का, उस केस में आप सिग्मा यूज करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ऐसे केस देखो, हमारे पास जितने फॉर्मूले बनेंगे तो स्टार्स देखो, इसमें जितने सारे फॉर्मूले बनेंगे उसमें सारे फॉर्मूलों में आप ये कर सकते हो, या तो हमसे पूछेगा सिग्मा, या पूछेगा अपने कैपेसिटेंस, या पूछेगा इसकी रेडियस, या पूछेगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार चीजें हैं। इन चारों की बात करेंगे। एक बात और देखो, हमसे पूछेगा इसमें पोटेंशियल, या पूछेगा अपने को पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में बात करता हूँ किसकी, रो, जो आपका है रो। ये कुल मिलाकर के इतनी संभावना के प्रश्न है, जिसमें से इन सब के अंदर ये आपकी n की पावर 1/3 आएगी, इसमें कितनी n की पावर 2/3 आएगी, इसमें आपकी n की पावर कितनी 5/3 आएगी, और इसमें n की पावर कितनी 0 है, फिक्स। यानी आप सिंपल सा काम देखो, कि n की पावर 0, n की पावर 1/3, n की पावर 2/3 और n की पावर 5/3, इस समय आ ही रहा है, ये आप याद कर लो। पर ये किसके लिए, सी आर और ई, सब मेटेलिक ड्रॉप्स हैं तब के लिए, चार सरफेस पे है तब के लिए, और ये ओनली पोटेंशियल के लिए, और अगला है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब जो भी क्वेश्चन आता है ना, कौन सा फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप इस पोजीशन मान लो मुझे लिखना है सी के लिए, तो आप देखो सी बिग इक्वल टू कितना, एन की पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल, आपको निकालना है रेडियस के रूप में, तो रेडियस आर बिग का मतलब एन की पावर कितना 1/3 इंटू स्मॉल आर, आपको ई निकालना है तो कर दो ई बिग इज इक्वल टू कर दो एन की पावर 1/3 इंटू ई स्मॉल। अब ई स्मॉल वगैरह हमको आते हैं, यहाँ इसकी सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बोलेंगे सर के क्यू पॉन कितना स्मॉल आर का स्क्वायर है, आप पूछे इसका वी स्मॉल कितना है, तो के क्यू पॉन कितना स्मॉल आर है, आप पूछे इसकी कैपेसिटेंस कितनी है सी, तो आप बोलेंगे सर 4πε0 इंटू आर है, तो बेसिक पता होता है, और केवल इसकी पावर इतनी अगर याद कर लेते हो सारे क्वेश्चन छुपे पड़े हैं। और ये है कि इसमें चार्ज डेंसिटी कब, जब ये नॉन मेटेलिक बनी हो, रो वाले केस में, रो वाले केस में तो आप देखो भी चार्ज अंदर है तो वेरी करेगा ही नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो एन की पावर 0 पे, इसका मतलब ध्यान देना कि रो बिग बराबर कितना हमेशा रो स्मॉल ही आएगा, और कब आएगा जब ये ड्रॉप सारे कैसे नॉन मेटेलिक हो तब, तो इसको याद कर लेंगे तो कोई इशू है ही नहीं। अब अपन अगला क्वेश्चन अपने में देखो, क्वेश्चन आपका था कि एट स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंबाइंस एंड फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, हमारे पास आठ ड्रॉप थी बिल्कुल आइडेंटिकल थी, उनको अपन ने मिक्स कर दिया, और इफ द चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल क्यू देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ऑफ लार्ज ड्रॉप इज, तो देखो अपने पास एक ड्रॉप की बात करता हूं, इसमें चार्ज कितना स्मॉल क्यू है, इसकी आर रेडियस है, हमने इससे बनाई क्या बिग ड्रॉप, बनाने कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज में कैपिटल क्यू आ गया, उसको अपन ये एन इंटू क्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर हम तो सारा काम बता चुके हैं ना, तो देखो वी बिग कितना होगा, तो ये एन की पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल, तो देखो एन की एन कितना 8, इसकी पावर कितना 2/3 इंटू वी स्मॉल कितना के क्यू बाई स्मॉल आर। अब इसका देखो अपन करते हैं, पहले 8 का 1/3 कितना 2, कसको कितना 4, के क्यू पॉन कितना, यानी आपके पास आ गया 4 के क्यू बाई आर, और के कितना होता है 1/4πε0, 4 से 4 कैंसिल, तो ओनली हमारे पास क्यू अपॉन पाई आर आंसर आ जाएगा। तो पावर जो है ना मेनली 0, 1/3, 2/3 और 5/3 याद कर लो, सारे क्वेश्चन आपको जाएंगे, पर इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए हमने इसको पूरा क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखें क्वेश्चन, ये बहुत प्यार क्वेश्चन है, सिंपल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस थी आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, हमारे पास ये कोई आर रेडियस की कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, जिसके सेंटर से 3r/2 मतलब बाहर, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है e, और पूछा कि सेंटर से r/2 पे, तो सेंटर से r/2 तो इनसाइड पॉइंट हो गया, बहुत इजी होता है, इसलिए आपका आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहां ये भी अपन डिस्कस पहले से कर चुके हैं हल्का, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर, एक परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो अपन जानते हैं या फिर भी अपन देख लें, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है या मेरे पास कोई आपकी अनसिमेट्रिक बॉडी पर कैसी है कंडक्टिंग है, मेटल की बनी हुई है, तो अगर सिमेट्रिक बॉडी है इसको अपन चार्ज देंगे तो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक बहुत कॉमन सा पॉइंट ध्यान कर लो पहले, कि एवरी मेटेलिक चार्ज कंडक्टर में बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिक इज ऑलवेज
इक्विपोटेंशियल बॉडी। क्यों कह रहा हूं? उसके अंदर, उसकी सरफेस, हर जगह पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। इसलिए फर्स्ट तो आपका पहले से करेक्ट हो गया कि द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसकी सरफेस के हर बिंदु का वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, बाकी बातें अपन ने पहले से डिस्कस कर ली थी। तो चालक के बाहर के भाग पर इलेक्ट्रिकल हमेशा कैसा लंबवत होता है, ये भी आपका सही पूछा है, कौन सा गलत पूछा है। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है द चार्ज कैरिड बाय ए कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये आपका गलत है, क्योंकि सरफेस अगर सिमेट्रिकल है तब चार्ज आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज जहां पे इसकी जो कर्वेचर ज्यादा होती है वहां अपन जानते हैं हमेशा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और अदर स्थानों पे आपकी कैसी कम होती है। इसका आंसर आपका ये गलत होगा, तो ये आपका पूछा है, ये आपका चूज आएगा आंसर आ जाएगा। सो इसका अपन आंसर देंगे थर्ड। ये एक क्वेश्चन नंबर और देते हैं। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ हैज पोटेंशियल एनर्जी -2 मेगा जूल, यानी हमारे पास किसी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी है -2 मेगा जूल। अब आपसे पूछा है कि इस उपग्रह की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो देखो जो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कहते हैं वो होती है नेगेटिव ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि ये हमारे पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल से पहले ई निकाल लें, यानी कौन सी इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल हमेशा होती है यू बाई टू, इसको अपन हाफ करेंगे तो हमारे पास हो गया -1 जूल। अब इस माइनस जूल, यानी एक तरह से मान लो कि -1 जूल से वो सिस्टम बाउंडेड है, उसको सेपरेट करना, उसको करना अपने को एस्केप करना है, उसको एस्केप करने के लिए माइनस इनटू कितना आपका -1, तो ये +1 जूल, तो +1 जूल देने से वो सैटेलाइट उस प्लेनेट से आपका सेपरेट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट, यानी 1 मेगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका हाफ एब्सोल्यूट स्क्वायर होता है, जहां भी ई था वहां इस रूप में, जहां बी था तो बी स्क्वायर अपॉन 2 मिनट एनर्जी होती है, कोई इशू नहीं है। तो पहले बच्चों देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें कह रहा है हमारे पास ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारे कॉर्नर्स पे हमने स्मॉल क्यू चार्ज रखे हुए हैं, और फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डी से ई तक कैपिटल क्यू चार्ज को ले जाना है, तो उसके लिए हमें कितना वर्कडन करना होगा। तो ये हमने अभी ठीक कुछ देर पहले आपको समझा था कि जब भी हम लोगों को ये फाइंड करना हो डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो मैंने कहा पहले क्वेश्चन को रीड करें और पता लगाएं कि हमने फाइंड करना क्या है, वापस आओ देखो। तो आपसे तो ये कह रहा है किसी आवेश कैपिटल क्यू को बिंदु डी से ई तक ले जाने में क्या कार्य, इसका मतलब यहां से फील है कि आपको भाई कार्य करना पड़ेगा। अगर ये बात करता हूं तो कह रहा है वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज, यानी चार्ज ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो दोनों से फील कितनी आ रही है कि आपको एक्सेल वर्क डन फाइंड करना है, एक्सेल फ्रंट फाइंड करना है, तो डेल्टा यू बन गया, यानी कितना U2 - U1। अब U2 - U1 की भी बात करता हूं देखो, तो ये एक्चुअली बन गया आपका Q into V2 - कितना Q into V1, यहां Q into बन गया V2 - V1, Q तो वो चार्ज जिसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो तो कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q into कितना आपका V2 - V1। अब ये देखना है कि जहां से ले जा रहे हैं, तो देखो वापस आते हैं क्वेश्चन में, इस पॉइंट पोटेंशियल इसका 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 अपन निकालेंगे, यहां निकालेंगे इसका इसका, बिल्कुल सिमेट्रिक है सब डिस्टेंस, देखो इसका डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है सिमेट्रिक, तो इस डी पॉइंट पे जितना सिस्टम का पोटेंशियल है उतना ही कहां पर है, ई पर है, तो इसको अपन यहां 1 मानते हैं, इसमें 2 मानते हैं, दोनों की जो पोटेंशियल सेम है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, दोनों की वोल्टेज सेम होने पर डिफरेंस कितना आपका 0 आएगा, ऐसी स्थिति में डी से ई तक जाने में पर्टन आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते आगे देखो, देख सकते अगर आगे सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक 12 भुजा का एक स्क्वायर है, ठीक है, और ए जो है वो इस पॉइंट का क्या, इस साइड का क्या है मिड पॉइंट, और बोला है कि पूरे के पूरे सिस्टम का हमें बिंदु ए पर हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पूरा 12 है तो ये एल, ये भी एल हो जाएगा, यहां से ये 12, ये भी 12। अब देखो मैं एक बार ए पॉइंट से इस माइनस टू की डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो ये 12, ये एल, तो पाइथागोरस से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √5π। पोटेंशियल निकाल लेते तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ कितना आ जाएगा पोटेंशियल, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा हमारे पास के क्यू बाई एल, राइट, बिल्कुल। इसके अलावा जिस इसके जो नीचे वाला चार्ज था ये इसकी वजह से भी उतना ही आ जाएगा सिमेट्री से, तो ये 2 times कर दिया, बिल्कुल। अब माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास -2kq - kq / √5l,
ठीक है, सेम जो सिमेट्री से जो है हमारे पास माइनस क्यू भी है तो इसका इसका भी सेम पोटेंशियल आएगा या तो इसको भी हम डबल कर देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल इनका सम हो जाएगा जो आ गया हमारे पास 2kqyl 1 - 1/√4π। अब k की जगह आप 1/4π एप्सिलॉन रख सकते हो, ठीक है, तो k की जगह जब हम 1/4π एप्सिलॉन रखेंगे तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अपन, इफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज पोटेंशियल v एट ए पॉइंट डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। देखो ये हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग सेल है कोई, और इसकी रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कोई पॉइंट है और यहां पोटेंशियल है कैपिटल v, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर ये कंडक्टिंग सेल अगर है तो चार्ज हम इसके सरफेस पे अज्यूम करेंगे, तो हम जानते हैं कि ऐसे केस में जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर उतना ही इसके अंदर अंदर वाले पॉइंट पे, यानी मैं लिखूं इसको v 5 सेंटीमीटर तो एक्चुअली बन गया v सरफेस, और वो कितना है k³ / R, यानी R हमने यहां कितनी यूज करनी है 10 सेंटीमीटर। पहली बात ये, अब देखो अपन से ये पूछ रहा है इसमें कि तो ऐसी कंडीशन में इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी वाले पॉइंट पे, यानी वो तो पॉइंट आपका क्या हो गया इससे ठीक बाहर, तो ये डिस्टेंस जो आर मान लेता हूं ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब यहां कितना पोटेंशियल है वो आपको फाइंड करना, इसको मैं मानता हूं v डैश, तो देखो v डैश हमारे पास कितना होगा k³ / r, और वो हमारे पास है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब देखो इसको यहीं कर ले अपन सॉल्व, यदि इसको मैं 10 से कर दूं मल्टीप्लाई 10 से कर दूं डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या बन गया v सरफेस, क्योंकि k³ / r में देखो यहां ये k³ कर दूं यहां पे 10, वो आपका v सरफेस जिसको अपन ने भी दे रखा है, इसके स्थान पे कर दूं मैं v, इसको बढ़ा दूं कितना 2/3, तो हमारे पास v डैश कितना हो जाएगा 2/3, v आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, इसको अपन देख सकते हैं आराम से 2/3 v आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल दोनों तीनों क्वेश्चन देखें आगे वाले बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, तो इनको साथ ही पर डिस्कस करने वाले हो। तो आप एक बात जानते हो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अभी जो दे रखा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं ई के अलोंग, तो ई के अलोंग चलने पर हमेशा पोटेंशियल आपका होता है डिक्रीज होता है घटेगा, तो यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है। आपको प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये कोई हमारे पास एक सडेड कोई पॉइंट है, एक छायांकित भाग दे रखा है, ये कह रहा है कि इस छायांकित भाग पर जितना पोटेंशियल है वैसे वैसे पोटेंशियल रखने वाले और कौन से पॉइंट है, तो अपन जानते हैं ई के अलोंग जोन जाने पे वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है, इसके अपोजिट जाने पे भी आपका बढ़ रहा है, और इसके नॉर्मल जाने पर वोल्टेज आपका रहता है कॉन्स्टेंट, तो ऐसे इस पॉइंट के जैसा वोल्टेज किस किसके पास है 1, 2 और 3, तो इसके जैसा आंसर कितना आएगा 3 पॉइंट आएगा। नेक्स्ट देखो ये भी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का प्रश्न है, तो पहले देखो यहाँ इसमें चेक करते हैं, तो एक बात आपने सुना होगा कि ये आपका प्लस चार्ज है ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ न्यूट्रल पॉइंट है वहां, और क्यों किस स्पेस पे कह रहा हूं मैं, आप देखो इसका पूरा जो व्यू आप चेक कर रहे हो तो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन दे रखा है किसका फील्ड लाइंस का, और ऐसी स्थिति में आप देखो यहाँ पे किससे कितनी लाइंस हो रही ओरिजिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कितनी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जब दोनों से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दे रखी है तो गॉस लॉ के अनुसार अपन जानते हैं कि फाई जो होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिखता हूं इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा समेशन ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है, जब दोनों की फील्ड लाइंस सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, और नेचर आपको दे रखी है प्लस और प्लस, तो कोई इशू नहीं है। अब देखो आपसे ही पूछा है कि फील्ड लाइंस सबने बना दी, तो पूछा है कि ए पॉइंट पे और बी पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर क्या है, तो जहां फील्ड लाइन जितनी नेबरिंग होती हैं पास पास होती हैं डेंस होती हैं वहां फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, तो यहां ए पे बस मेन काम है, तो सी पे तो जीरो है या बहुत कम है, बात करनी है सिर्फ ए और बी की। अगर ये बी पॉइंट में यहां कर दूं चार्ज सेम है बिल्कुल आइडेंटिकल है, उस केस में ए और बी के फील्ड लाइंस हमेशा कैसे आपके बराबर आते हैं, पर देखो आपने बी को पॉइंट को यहां रख के भाग दे रखा है और ये फील्ड लाइंस आप और बनाओगे तो इस तरह की फील्ड लाइंस ये बनती है, डिस्टेंस बढ़ने पर फील्ड लाइंस आपके होती हैं सेपरेट, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का फील्ड जो है वो ए से आपका कम हो जाएगा, तो सबसे अधिक यहाँ पे फील्ड लाइंस कौन सा होगा ई ए, उससे कम कौन सा आपका है ई बी, और सबसे कम कितना ई सी, जो अप्रोक्स कितना आपका जीरो है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा,
अब देखो इसी से जुड़ा क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो अभी हम कह रहे थे कि ई की तरफ सभी वोल्टेज आपका होता है डिक्रीज, तो देखो बी जो है ना पॉइंट आप देखें यहां पर वी बी, उससे कम कितना है वी सी, उससे कम क्या हो गया आपका वी ए, ये आपका ऑर्डर है। तो देखिए बी पे सबसे अधिक होगा, ए पे आपका कम से कम, कहीं पर भी इक्वल नहीं है। पर पॉइंट ऐसे होता है, मान लो अगर पॉइंट एक डी में यहां कर दूं तो डी और सी के वोल्टेज आपके सेम हो जाते, तो हमारा आंसर यहां पे थर्ड हो जाएगा। बढ़ते आगे देखो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस पे थोड़ा सा अपन टाइम देके आपको समझाएंगे। देखो क्वेश्चन समझो पहले, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी और ये डी पॉइंट है। हमने क्या दे रखा है, ए पे रखा है स्मॉल क्यू चार्ज, ये भी स्मॉल क्यू, ये आपका माइनस क्यू और ये माइनस का क्यू है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझो कि इसके सेंटर पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद करो मैंने एक बात पहले आपको शेयर करी थी, जब भी हमारे पास कोई यूनिफॉर्म पॉलीगन होता है, एक स्क्वायर, एक वर्ग है, एक समबहुभुज ही है, और इस समबहुभुज के सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल तो हमेशा होता है के समेशन क्यू बाई आर। पर आप चेक करो इन सब का नेट चार्ज कितना, जीरो है, तो नेट चार्ज क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो नेट चार्ज के जीरो होने पे इसके सेंटर पे पोटेंशियल तो हमेशा जीरो है। चाहे अपन कुछ भी कर दें, इस चार्ज को अपन यहां से यहां ले आए, इसको यहां कुछ भी चेंज कर दें, चार्ज को आपस में एक्सचेंज करने से इसकी सरफेस के कारण, सॉरी इन चारों चार्ज के कारण इसके सेंटर पे पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स हो गया। और कैसे जीरो से जीरो बना रहेगा, चार्ज को एक्सचेंज करने से पहले इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना जीरो है, और इनको मैं कर दूं एक्सचेंज, इसको कर दूं एक्सचेंज, तो भी कितना जीरो रहेगा, इसका मतलब पोटेंशियल डज नॉट चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और रेसिस्टेंस, होती नहीं है, तो वोल्टेज का खेल खत्म। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, तो ध्यान दो इसमें देखो कि अभी इस गिवन कंडीशन में इसका फील्ड आपका इस तरफ, इसका फील्ड आपका इस तरफ, इसका अपनी तरफ, अपनी तरफ, ये इस तरफ आ गया, तो देखें इस चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, जो कि है नॉन जीरो। गिवन कंडीशन में इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, नॉन जीरो है और डाउनवर्ड है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अगर इन दो चार्जेस को, ध्यान देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि बिंदु ए और बी के आवेश, जो ए और बी के आवेश हैं, उनको अपन डी और सी के आवेशों से बदल दें, इनको अपन कर दें, ऊपर वाले चार्जेस को हमें नीचे करना है, नीचे वाले चार्जेस को ऊपर शिफ्ट करना। ओके, तो जैसे इनको अपन ऐसे ऊपर बदल देंगे, तो देखो मैं इसको यहां कर दूंगा, मान लो इधर तो माइनस का क्यू, ये माइनस का क्यू हो गया आपका प्लस का क्यू, और ये प्लस का क्यू हो गया, ऐसा बोल गया। ऐसा करने के बाद भी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे से क्या होगा, ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है पर डायरेक्शन आपकी हो गई चेंज। तो इसका आंसर अपन क्या कर पाएंगे, देखो ई रिमेंस कॉन्स्टेंट, गलत वेक्टर देखो, वेक्टर देखो साफ साफ, और v चेंजेस गलत है भाई, बोथ e सॉरी e और ये करेक्ट आंसर आ जाएगा कि e तो बदलेगा और b नियत रहेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम ही रहा है, बट डायरेक्शन जो है वो जस्ट रिवर्स हो गई, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण बोलना पड़ेगा कि चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हां एक छोटी सी बात और शेयर कर दूं, यहां देखो अगर मान लो अपन ऐसे करते हैं, ओनली एक चार्ज को मैं करता यहां से एक्सटेंस, इस चार्ज को मैं यहां ले आऊं, देखो ये हो गया आपका प्लस का क्यू, सॉरी इनको ओपन कर दें एक्सटेंड, देखो है ना, इस माइनस को यहां लाओ तो भी फायदा नहीं होने वाला, एक काम करता हूं देखो इसमें ये माइनस का क्यू यहां कर दो माइनस का क्यू, और ये कर दो प्लस का क्यू, और ये कर दो यहां पर प्लस का क्यू, फिर ऐसे कर दें, ऐसी को लिमिट आप बना दे कि पहले गिवन कंडीशन थी, अब इस तरह से आपको दे दी, तो ऐसी स्थिति में अब इसके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो जितना जीरो हो चुका है, ये माइनस क्यू ये आपका प्लस क्यू और ये प्लस का क्यू, देखो इसको वापस उड़ा दूंगा, यहाँ पर हमारे पास ये दो चार्ज है ना, तो मैं इसको फाइनली ऐसे कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ तो हो गया माइनस का क्यू, ये भी आपका माइनस का क्यू, ये आपका प्लस का क्यू, ये भी कौन सा प्लस का क्यू, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म कर दे तो देखो इनिशियली सेंटर फील्ड कितना था नॉन जीरो, क्या था डाउनवर्ड, अब देखो इस माइनस का फील्ड अपनी तरफ, इसका भी अपना इस तरफ, ये कैंसिल सिमेट्रिकल है, इस प्लस का इस तरफ, इसका इस तरफ, ये भी आपके सिमेट्रिकल, ये से कैंसिल, तो अब कितना हो गया जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया नॉन जीरो से जीरो और पोटेंशियल जीरो का जीरो। तो ये दोनों चीजें ध्यान देकर के आप क्वेश्चन यहाँ ठीक से ठीक कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपके हेल्पफुल हो जाएगा, तो सर बढ़िया गए, बिल्कुल ओके। तो अगला क्वेश्चन सर देखो क्या कर रहा है,
बोला कि आर त्रिज्या के वृत्त पर 10 इलेक्ट्रॉन हमने एक दूसरे से समान दूरी पर रखे, तो ये हमारे पास एक वृत्त है, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन बेसिकली मैं 10 नेगेटिव चार्ज अटैम छोटे छोटे, तो सिमेट्री से हम क्या है इक्वी डिस्टेंस पर उसको रख देंगे, मतलब कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है हमारे पास। और क्या बोला है कि अनंत पर विभव को जीरो मानते हुए केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक केंद्र पर विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें बात करनी है, तो देखना जरा यहाँ, तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल निकालू तो देखो यहाँ भी ई होगा तो यहाँ भी ई, सिमिलरली इधर ई होगा तो इधर भी ई, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो इधर यहाँ पर एक माइनस ई है तो उसी के जस्ट अपोजिट में इधर भी माइनस और ई होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इधर वाले माइनस ई से इधर वाले माइनस ई का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो सभी का 10 के 10 इलेक्ट्रॉन का आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा, सेंटर पर जीरो आ जाएगा। अब पोटेंशियल की बात करें तो अभी सबने बताया था कि कोई भी पॉलीगन हो उसके लिए अगर मैं सेंटर पे अगर पोटेंशियल फाइंड करता हूं तो पोटेंशियल क्या होता है, के सम ऑफ चार्जेस अपॉन आर। तो यहां अगर तुम देखोगे तो सबके लिए जो चार्ज जो है हमारे पास वो नॉन जीरो है, चार्ज नॉन जीरो होने की वजह से पोटेंशियल भी नॉन जीरो होगा, या ऐसे भी देख सकते हो कि इसकी वजह से आएगा के ई बाई आर, इसकी वजह से भी के ई बाई आर, सबकी वजह से के ई बाई आर आता जाएगा तो एड होगा तो नॉन जीरो मिलेगा हमें, तो ई तो जीरो है बट पोटेंशियल जो क्या है वो हमारे पास नॉन जीरो, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, सेकंड बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि अगर किसी भी पॉइंट का, सुनना ध्यान से, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करवाए, या किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और पोटेंशियल पे कमेंट करवाए, तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते किसी पॉइंट के लिए, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में दे दिया जाए, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए हमें, तो वहां हम एक दूसरे पर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, केवल डायरेक्शंस का एक दो बार डाउट आए थे बच्चों के, सर की क्वेश्चंस यहाँ पर क्या डायरेक्शन बहुत गलती कर बैठते हैं, तो बड़ा कोई इशू नहीं होता है डायरेक्शन का, तो सिंपल फिल होता है, पर फिर भी क्या बच्चे थोड़ा ध्यान देते नहीं पड़ते समय तो गलती कर जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन अगर हमसे कि थ्री आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस एज शोन आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक समद्विबाह त्रिभुज है जैसे दरख हम लोगों को, और इसके सारे कोनों पर हमने आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं। अभी कह रहा है कि ये कोई इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या होनी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ इसके मिड पॉइंट होने पे इसको मान लो मैं फर्स्ट कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सेकंड, ये आपका है कौन सा थर्ड, तो इस फर्स्ट ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, इसका इस तरफ, मिड पॉइंट होने पे दोनों आपस में कैसे इक्वल और अपोजिट, नेट कितना जीरो आप जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, इसका आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भी सर, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा तो विक्षेपित जो फोर्स फील करेगा, तो F इज इक्वल टू क्या हम लोग कहते हैं क्यू इनटू E, तो जिस पे चार्ज होगा वो फील करेगा, जिस पे चार्ज नहीं वो फील नहीं करेगा, तो एक्सरे आप जानते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम पार्ट है, न्यूट्रल है, गामा रेज भी न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन्स खुद बेचारे बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स फील नहीं करते हैं, एल पार्टिकल आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्लस चार्ज होने से जैसे इसको ऊपर ई पे ई में रखेंगे तो फोर्स फील करेगा, तो हमारा इसका आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। बढ़िया, जरा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक्सरे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के रिटार्डेशन से प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती हैं, उनके रिटार्डेशन से जो फोटोन रिलीज होते हैं वो एक्सरे होती हैं, तो ऐसा ना मान के चले कि एक्सरे जो है वो नेगेटिव चार्ज रखती है, एक्सरे जो है वो न्यूट्रल होती है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल। वैसे भी देखो आपने जो लाइट के स्पेक्ट्रम के पार्ट से गामा रेज है, एक्स रेज है, माइक्रो आपकी जो विजिबल लाइट है, बिल्कुल सब के सब क्या फोटॉन्स न्यूट्रल है, सब फोटॉन्स हैं, सब रेडिएशंस हैं, तो वहां चार्ज होता ही नहीं उन पर, तो बिल्कुल सर ने कमेंट किया बहुत शानदार। इसमें आगे बढ़े अपन, देखो तो पहले बच्चों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो पॉइंट है इन पे रखें प्लस क्यू और माइनस का माइनस चार्ज, ठीक है, और फिर ये सी इन दोनों का मिड पॉइंट है, ओके, और ये दे रखा है हमने यहाँ से यहाँ का सेपरेशन कितना 2L, L और ये L, और यहाँ इसके सेंटर पे को चार्ज रखा है अपने कैपिटल क्यू, और उस कैपिटल क्यू को सी और आर डी इस पाथ से होते हुए हमको डी तक ले जाना है, तो आपसे पूछा कि ऐसे स्थिति में C से D तक चार्ज Q को ले जाने में कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्डन होगा, तो लैंग्वेज से आप पढ़ के पता लगाएंगे, तो आपको पूछा है एक्सटर्नल वर्डन, और एक्सटर्नल वर्डन में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या था कि W अक्ष हमेशा होता है U2 माइनस U1 डेल्टा U होता है, ठीक है, अब U2 हमारे पास कितना है Q V2 माइनस कितना Q V1, इसमें Q कौन सा वो चार्ज जिसको अपन यहाँ पर ले जा रहे हैं,
तो जिसको अपन ले जा रहे हैं वो कितना कैपिटल क्यू था सर, तो हमारे पास सी चार्ज अपन क्या कैपिटल क्यू कर दिया वी टू माइनस का वी वन। अब देखो कि जिस बिंदु पे चार्ज था इनिशियली वो पॉइंट है यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो ड्यू टू प्लस क्यू पॉजिटिव ड्यू टू माइनस। और वैसे भी अपन बात बार बार कर रहे हैं ये भी कितने से देखो ये आइडेंटिकल पॉलीगोन की तरह से अगर इसको माने तो यहाँ से इसकी सेपरेशन और इसके बराबर नहीं है क्या, तो ऐसे में इसके कॉमन पॉइंट पे सेंटर पर वोल्टेज कितना के समय सुन के बाई आर, तो इसका तो नेट चार्ज कितना जीरो है, तो इसके नेट चार्ज जीरो होने सेंटर पे इसका पोटेंशियल कितना आपका जीरो है, जीरो है। इस कारण से इस चार्ज कैपिटल क्यू की सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो है। इसलिए मैं इस वी वन को तो यहीं से जीरो कर सकता हूँ और वी वन को जीरो करने के बाद हमारे पास ओनली बचा है क्यू इंटू वी टू। वी टू हमारे पास क्या है इसकी फाइनल कंडीशन में, इसकी जो फाइनल कंडीशन है उस कंडीशन में इस पॉइंट पे लाने के बाद इसकी पोटेंशियल की वैल्यू है। तो देखो जब चार्ज यहां से यहां आ चुका है तो यहां तो क्या हो गया आपका प्लस का क्यू, ये है माइनस का क्यू, ये आपका कौन सा प्लस का क्यू। ऐसी स्थिति में इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल वो निकालो तो माइनस और तो प्लस, तो डिस्टेंस कितनी एल आएगी, ये एल और ये एल और एल इसकी क्या थ्री एल आ जाएगी। अब ड्यू टू माइनस क्यू अपन निकालते हैं के माइनस का क्यू अपॉन कितना एल, और इसका अपन निकालते हैं के क्यू अपॉन कितना थ्री एल। तो देखो अब खेल आपका हो गया सिंपल सा, क्यू जिसको पहले वो हो ही गया और ड्यू टू प्लस चार्ज कितना के क्यू अपॉन कितना थ्री एल, ड्यू टू माइनस कितना माइनस क्यू बाई एल, इसमें से के क्यू अपॉन कॉमन ले लेंगे एल भी आपका कॉमन आ गया तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल। फिर बचा कितना मेरे पास वन अपॉन थ्री माइनस का वन, तो वन माइनस थ्री अपॉन थ्री तो कितना टू बाई थ्री आ गया माइनस टू अपॉन थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस का कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना सिक्स बाई टू एल। पर गौर करें इसके ऑप्शन में यहाँ कोई भी ऑप्शन दे रखा नहीं है नेगेटिव, तो हमारी मजबूरी हम इसका आंसर फोर कर सकते हैं। पर थोड़ा ध्यान दो अगर यहां ये पूछता कि वर्क डन बाय फील्ड ये हमसे पूछता ना, तो उस स्थिति में देखो इसका अपन कांसेप्ट से सॉल्व करते तो डेल्टा यू हमारे पास कितना माइनस सॉरी तब हम इसको करते सॉल्व यहां पर तो डब्ल्यू बाय फील्ड अपन लेते तो कितना माइनस का डेल्टा यू होता या कितना यू वन माइनस का यू टू होता या आपका जीरो हो गया, ये खुद नेगेटिव है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में ऑप्शन का बहुत ध्यान देना है कि प्लस अथवा माइनस पर पूछा क्या है वो भी साथ में ध्यान रखना होगा, तो हमारे किस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ता है देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझे क्या क्या करा है, प्रश्न बोला है कि समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समद्विभवी पृष्ठ के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है जिसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं ये पैरेलल होती हैं साथ में एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। अगर हमें इसमें ऐसे पृष्ठ बनाने हैं जो समान विभव पर हों तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चला जाए तो इन सारे के सारे प्लेन्स पर इस प्लेन पर अगर मैं देखूं तो इस प्लेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली इसी तरह से और प्लेन अज्यूम किए जा सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए जो समविभव पृष्ठ आते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास एकदम प्लेन आते हैं समविभव आते हैं। अब बोला है कि समविभव पृष्ठ समतल है बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, समविभव पृष्ठ गोली है नहीं रॉन्ग हो जाएगा, विद्युत रेखाएं समविभव पृष्ठ का लंबवत होती है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही है ये भी सही हो जाएगा, एक संभव पृष्ठ से दूसरे संभव पृष्ठ तक आप इसको ले जाने में किया जाता है अशून्य होता तो ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि हालांकि ये संभव पृष्ठ है इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ V2 होगा, ये भी एक संभव पृष्ठ है इसके हर एक पोटेंशियल हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V1 होगा। संभव पृष्ठ होने का मतलब ये नहीं है कि भी दोनों संभव पृष्ठों का सेम है पोटेंशियल, संभव पृष्ठ का मतलब ये है कि एक ही पृष्ठ के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो वर्क तो हमें कराना पड़ेगा क्यू डेल्टा भी, तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा, इसने रॉन्ग पूछा है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी अपन डिस्कस कर रहे थे उसी का एक नमूना है सिंपल, देखो आपसे ये कह रहा है कि फिगर बिलो शो रेगुलर हेक्सागॉन्स विद चार्जेस एट द वर्टिसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है। तो देखो यहाँ इस पेपर निकालेंगे चार्ज या हमारे पास इस चार ये ऑप्शन साफ दिख रहे हैं यहाँ पे निकालते हैं तो इसमें देखो सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं सबके सब कैसे प्लस के रखे हुए हैं तो सेंटर पे फील्ड कितना इसका पर निकालें इस तरफ इसका आपका इस तरफ जीरो, ऐसे में इसका निकालेंगे तो ये इस तरफ ये हो गया जीरो, इसका निकालेंगे तो इस तरफ हो गया तो जीरो। तो अगर हमें किसी भी यूनिफॉर्म पॉलीगोन के सारे वर्टिसेस पे अगर आइडेंटिकल चार्ज सेम साइन के सब रखे हुए हैं हमेशा उसके सेंटर पे नेट फील्ड कितना जीरो होगा, फिक्स है बिल्कुल, चाहे साइड उसकी फाइव है सिक्स है सेवन है फोर है कुछ भी है, तो सब ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर इक्वल और इक्वल साइन के चार्ज आपने प्रेस कर रखे हैं तो ये आपका जीरो आएगा, तो कोई इश्यू नहीं है इसका जीरो हो गया।
पर देखो अगर इसमें देखता हूं यहां पर, तो यहां ये 2q2 यानी आप देखो एक डायमीटर के दो जो अपोजिट एंड है वहां अगर चार्ज इक्वल अपोजिट सॉरी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वली साइन के हैं, तो सेंटर पे इसका जीरो। यहां देखो इसकी भी डायमीटर के अपोजिट देखेंगे अपन, तो यहां कितना 2q2 की, इसका भी कितना जीरो, इसका भी कितना जीरो। यहां चेक कर लो इसमें देखो ये 2qq, ये 2qq, ये 2qq, पर यहां देखो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ध्यान दो। अगर हम इसमें एक काम करें कि ये दो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं क्यू क्यू, यहां कर दो इसको क्यू और क्यू, ये कितना क्यू और क्यू। अब आप देखो अगर मैं इसमें से एक ही क्यू यूज करता हूं, ये क्यू क्यू क्यू, उन सबको अगर काम में लेंगे तो उनकी पैर सेंटर कितना ई जीरो हुआ। अब बचा हुआ कितना है, ओनली यहां क्यू और यहां क्यू और ये क्यू। अब एक बन गया हमारे पास एक तरह से ऐसा कोई पॉलीगॉन इसके तीन चार्ज हैं, तीनों कैसे आइडेंटिटी लगता है सेंटर कितना ई जीरो, कॉमन सी बात है, इसमें आप जीरो कर पाएंगे। पर यहां पे देखो ये माइनस का क्यू प्लस का क्यू, तो इसका फील्ड आपका इस तरफ, इसका भी इस तरफ आएगा, और इसका माइनस का निकालेंगे तो इसका इस तरफ, इसका भी कैसा आपका इस तरफ आएगा, और इन दोनों का क्या जीरो हो गया, तो नेट फील्ड आपका इस तरफ जो कितना है नॉन जीरो। इसका आंसर आप कौन सा कर पाएंगे, सेकंड नॉन जीरो हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में, तो देखिए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है कि एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है को 120 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, इसे एक 6 मीटर त्रिज्या वाले अन्य खोखले गोलीय चालक के अंदर रख दिया गया है, तो बड़े गोले का विभव हमसे पूछा देखना कि ये तो क्या किया हमने कि 2 मीटर त्रिज्या का एक गोला लिया और इसको कोई क्यू आवेश दे दिया जिसकी वजह से इसका विभव हो गया 120 वोल्ट। यानी ये तो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर और उसकी सरफेस का आपको वोल्टेज दिया गया, ठीक है। अब बोला है कि इसे एक 6 मीटर त्रिज्या वाले अन्य खोखले गोलीय चालक, ये इसको हमने क्या किया है, खोखले गोलीय चालक के अंदर रख दिया जिसकी त्रिज्या दे रखी है, ये आपका होलो स्फेरिकल सेल, ठीक है ठीक है। तो बोला है हमसे कि बड़े गोले का जो विभव है वो क्या होगा, ठीक है ठीक। तो देखते इसका आउटर पॉइंट हो गया, तो इसको अपन चार्ज दे रखे नहीं है, तो उसकी सरफेस पे भी अपन निकाले तो आउटर पॉइंट पे भी आप कितना के क्यू बाई उसकी रेडियस आर 6 मीटर हो गया, तो आर हमारे और आपको इसकी सरफेस पर ये दिखती कितनी 2 मीटर दे रखी थी, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर और ये मान लेते कितनी अपन स्मॉल आर, तो हमको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो इसको मैं आर से मल्टीप्लाई आर से कर दूं डिवाइड क्यों, और ऐसे में तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 120। तो देखो इसको मैं लिखूं यहां पर कितना 120 वोल्ट इनटू आर हमारे पास कितनी है 6 या 2 कैपिटल आर 2 सॉरी ये 2 और हमारे पास ये कितनी है 6 मीटर ये है 6 तो इसको डायल कितना 3 तो 120 3 तो ये आपका 40 वोल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल एक बार फिर देख लो, हमारे पास एक स्फीयर था ये कंडक्टिंग था जिसकी सरफेस पे आपको दे रखा वोल्टेज 120, दूसरा आपका एक और अदर आपका नॉन कंडक्टिंग ही स्फेरिकल सेल है और उसको चार्ज है वो दे रखा है वो कितना जीरो। आपको इसके कारण जो पोटेंशियल उसके इफेक्ट में यहाँ कितना पोटेंशियल अपन आराम से इसको देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना 40 वोल्ट है वो आ जाएगा। क्यों सर बड़े ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम इफ आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज माइनस प्लस क्यू व्हिच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। देखो हमारे पास ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब दे दिया आपने को और इसके सारे वर्टिसेस पे माइनस क्यू चार्ज हमने दे रखे हैं, कोई इशू नहीं, और हमने यहाँ इसके सेंटर पे रखा है प्लस का क्यू चार्ज और ये पूछा है कि इस प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल है, पोटेंशियल या कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। तो जब भी हम लोगों को किसी एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो जिस चार्ज की एनर्जी निकालनी है उसको कहाँ रखा गया है, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग अपन चले तो क्यू इंटू मैं इसको वी लिख रहा हूं, ये क्यू वो चार्ज है जिसको या जिसकी एनर्जी आपको फाइंड करनी है और ये उस पॉइंट का पोटेंशियल है जहां पे अपने चार्ज को प्लस किया है, तो जिसको रखा है वो चार्ज कौन सा प्लस क्यू, ठीक है, और वी क्या है इसका इसके सेंटर का पोटेंशियल। अब देखो ये क्यू इंटू, अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि ये क्यू भी क्या एक यूनिफॉर्म पॉलीगॉन है और यूनिफॉर्म पॉलीगॉन के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो मैंने आपको बताया था के इनटू कौन सा समेशन ऑफ ऑल चार्जेस के समेशन के अपॉन कितना आर, आर है इसके सेंटर से डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस ए है ए है ए है तो अपन जानते हैं इसका जो डायगोनल होता है √3a होता है सर, तो उसकी जस्ट मिड पॉइंट पे उसका हाफ कर दो तो देखो ये आपका √3a/2 और ये समेशन क्यू हमारे पास कितना है एट क्यू जो कि नेगेटिव चार्ज के रूप में है, तो देखो
ये प्लस का क्यू इंटू इसको पहले जाते हैं ऊपर तो के इंटू कितना एट क्यू जो कि माइनस में है अपॉन कितना रूट थ्री ए इसकी साइड थी और टू को अपन यहां ले लेते हैं ऊपर ये लो साहब के को अपन पुट करेंगे तो फोर आएगा फोर से इसको डाउन कितना टू आएगा टू इंटू टू फोर आ गया यानी ऑप्शन में आपकी फोर और माइनस आना ही चाहिए माइनस फोर रूट टू तो माइनस फोर और रूट थ्री भी आना चाहिए तो मेरे हिसाब से क्या ये आंसर इसका होने वाला है तो माइनस फोर क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी साइड इसकी बी दे रखी तो इसको बी काम ले लेंगे भी कर लेंगे तो बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत शानदार प्रश्न है ये आपसे सिंपल सिंपल बातें पूछते हुए इसको सॉल्व करना है बढ़ेगा सर बिल्कुल ओके तो अगला क्वेश्चन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ तो बिल्कुल आप धैर्य से करेंगे ना तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे अदरवाइज पॉसिबल नहीं है और जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे उन्हीं को ढंग से ऑपरेट करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे देखो बढ़ो आगे देखो इसमें इन द फिगर ए प्रोटॉन मूव्स ए डिस्टेंस डी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर ध्यान दो ये को प्रोटॉन है इसको तो इस तरफ अपन मूव करवा रहे हैं और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दिख रही साहब साहब तो ई आपका इस तरफ है और इसके ठीक अपोजिट हम किसी प्रोटॉन का यानी प्लस चार्ज को मूव करवा रहे हैं आप ये जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने में वोल्टेज हमेशा डिक्रीज होता है तो अगर इसको जहां से अपन स्टार्ट करें उसको अपन मान लें वन इसको मान लें अपन यहाँ पे टू इसका वोल्टेज मान लो वी वन इसको मान लो वोल्टेज कितना वी टू हम कहते हैं वी के अलोंग चलने ई के अलोंग चलने वी आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप देखो यहाँ पर वी टू की तुलना वी वन कैसा आपका स्मॉल है अब देखो यदि इसका चार्ज हमारे पास कितना 1e है इसका चार्ज कितना 1e है प्लस का तो इस e इसको e से मल्टीप्लाई इसको e से मल्टीप्लाई करूं करते ही हमारे पास बन गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी u1 यहां बन गई इसकी कौन सी u2 पोटेंशियल एनर्जी प्लस की भी होती है और माइनस की होती है उसका माइनस प्लस इसके वैल्यू में शामिल होता है ध्यान देना है पर यहां तो प्लस आना तो कोई इशू नहीं है अब सुनो मेरी बात बताओ यहां पर कि अगर मैं ये कहता हूं ev1 u1 बन गया ev2 आपके पास u2 आ गया तो प्रोटॉन को जब मैं एक से दो पे ले जा रहा हूं तो ये मेरे पास इनिशियली फाइनल है इसमें u1 कैसी छोटी u2 कैसी है बड़ी ये इसका ऑर्डर है अब देखो यदि कोई प्रोटॉन वन से टू जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई सर u1 तो कम है u2 कैसी है बड़ी है साफ से पता कोई इशू नहीं है तो देखो पूछा क्या था देखो इसमें एक बार वापस कि अगर इसको अपन देखें यहां पर तो आपसे पूछा है कि क्या दूसरेतर प्रोटॉन पर धनात्मक या ऋणात्मक कार्य करेगा पहला पोर्शन है दूसरा ही करेगा क्या प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी अथवा घटेगी तो देखो अपन यहां से इस बिंदु पे गए बाद की एनर्जी बड़ी है पहले कैसी छोटी है तो डेफिनेट है पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी कौन सी रहेगी बड़ी क्रीज तो हमने बढ़ने का तो ओनली लिया तो ये प्रिया ये तो दो में से कौन सा इसमें से या इसमें से कोई सा अपन आंसर ठीक कर पाएंगे तो एक काम तो अच्छे समझ में आ गया अब आते दूसरे में देखो तो दूसरे में देखते हैं अपन विद्युत क्षेत्र का कार्य हाँ विद्युत क्षेत्र का कार्य का कार्य कितना है तो यह भी आपने बताया था कि W by field by field वो क्या था आपका माइनस का डेल्टा U1 माइनस का U2 अब देखो U1 कैसा है कम U2 बड़ा है तो नेगेटिव वाला बड़ा प्लस वाला छोटा तो क्या सर ये नेगेटिव आएगा क्या इसलिए इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा तो चार्ज कैसे मान लो पर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते तो खुद नेगेटिव होता उसका चार्ज भी अपन यहां यूज करना होता उसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालते तो वहां यू नेगेटिव का फिर आपको चेक करना पड़ता यहां तो बहुत इजी था ठीक है तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार प्रश्न था अब तक का ये आगे बढ़ते देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन आ गया बेसिक थीम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन हाई पोटेंशियल रीजन वी टू फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन वी वन देन इट्स वेलोसिटी तो ये कह रहा कि निम्न विभव V1 से उच्च की तरफ तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन तो खुद हमेशा चाहता क्या है कि लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करे जब जैसा वो चाहता है उसको वैसा ही माहौल मिल जाए तो बढ़ता है इसकी तो स्पीड आपकी बढ़ेगी तो इसमें कोई इश्यू है ही नहीं इसका वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा बढ़ता है देखो तो देखिए सर इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन ये मतलब दो बिंदु माइनस क्यू और क्यू क्रमशः 0 0 माइनस ए तथा 0 0 ए पर स्थित हैं तो बिंदु 0 0 z पर विभव की बात हमें करनी है तो बेसिकली z एक्सिस दे रखा है क्लियर ये पहला पॉइंट जो है z में वो माइनस a पर है क्योंकि चार्ज है माइनस q और एक है z में प्लस a पर जिसका चार्ज है प्लस q तो किसी जनरल पॉइंट ओरिजिन से 0 0 z पर हमें क्या पूछा है पोटेंशियल पूछा है तो दो पॉइंट चार्जेस की वजह से बस पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट का
तो माइनस क्यू की वजह से आपका पोटेंशियल लिखा जा सकता है माइनस के क्यू अपॉन, देखो ये ओरिजिन, तो ओरिजिन से तो इस माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो गई, जेड प्लस ए, तो जेड प्लस ए, ये तो आ गया माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, ठीक है। अब प्लस क्यू की वजह से देखें तो ये डिस्टेंस जेड है, ये ए है, तो ये हो जाएगी जेड माइनस ए, तो प्लस क्यू का पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन जेड माइनस ए। सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा के क्यू तो कॉमन, एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा जेड माइनस ए जेड प्लस ए, जेड स्क्वायर एम माइनस ए स्क्वायर, साथ में ऊपर बन जाएगा जेड प्लस ए माइनस जेड माइनस ए माइनस जेड प्लस ए, यस यस, तो जेड से जेड गया, तो ये आ गया हमारे पास 2KQA upon Z square minus A square। अब यहाँ पर K की वैल्यू रख दी जाए 1 upon 4 pi epsilon, तो देखो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन जाएगा 2QA upon 4 pi epsilon Z square minus A square, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ n minus 1 कॉर्नर्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, देखो टोटल उसकी n साइड्स हैं, परंतु हम लोगों ने केवल उसमें से एक कम, 10 साइड हैं तो 9 पर, 20 तो कितना 19 पर, 100 तो कितना 99 पे हमने आइडेंटिकल चार्ज प्लेस किए हुए हैं, तो ध्यान दो इसमें, और पूछा क्या अपन से इसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में पहले आप ही देखो कि मान लो मेरे पास ही कोई एक यूनिफॉर्म हेक्सागन है और मैंने यहाँ पे इसके सारे के सारे सेंटर्स पे या कॉर्नर्स पे मैंने इसके कैपिटल स्मॉल पे चार्ज प्लेस किए हुए हैं, और मैंने आपको पहले डिस्कस किया था ऐसी कंडीशन में इसके सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो होता है, जीरो, बात मानते हैं हम इस बात को। अब मान लो मैंने सिर्फ इससे एक चार्ज को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस करने के बाद अब जो रिमेनिंग चार्ज है उनका कितना फोर्स होगा, कितना यहाँ पे फील्ड, कितना इसका फील्ड होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जस्ट इसके सिमिलर ही आपका वो कॉन्सेप्ट है, इसको ढंग से अपन पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप में हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ इसको हटा दिया आपने, हटाने के बाद में जो रिमेनिंग फील्ड है, मान लो यहाँ मैं चार्ज कैपिटल क्यू रख दूँ जो कि था कितना स्मॉल क्यू, मान लो ऐसे इसको कैपिटल क्यू मान लो, तो देखो ये जिसको अपने हटाया और जो रिमेनिंग है उनके कारण सेंटर पे टोटल इंटेंसिटी कितनी जीरो है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ई कौन सा रिमूव प्लस ई कौन सा आपका रिमेनिंग, और ये सब है कितना जीरो, जिसको हम हटा रहे हैं और जो पहले से रखे हुए हैं इसको हटाने के बाद ये रिमेनिंग है ना, और इसके कारण और इन सब के कारण नेट इंटेंसिटी कितनी आपकी जीरो थी, तो हम लिखा ई रिमेनिंग, सॉरी आपका कौन सा है रिमूव्ड जिसको हटाया अपन ने, और ई कौन सा आपका री ई में आपका रिमेनिंग, और इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी जीरो है, ये अपन जानते हैं। अब देखो यदि मैं इसमें से इसको हटा दूं, हटाने पे अब क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ई आपका रहेगा ई रिमेनिंग, देखो यदि मैं इसको हटा दूंगा हटाने बाद में चार्ज आपके रहेंगे, तो अपन ही जानते हैं कि जो आपका ई रिमेनिंग है ना, देखो ई आपका रिमेनिंग है वो क्या हो गया, ई कौन सा ई रिमोट, तो जिस चार्ज को अपन हटा रहे हैं ठीक उसका कितना यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके ठीक अपोजिट, अब नेट इंटेंसिटी आपकी जीरो से नॉन जीरो बन जाएगी, ये तो बात आई ना, तो अब सिंपल सा खेल है कि अब यहाँ एक अगर आपने वैकेंट कर रखा है तो इसने कितना चार्ज, कितना इसके चार्ज से यहाँ फील्ड होता है वो आप फाइंड कर लो, उसके कर दो अपोजिट, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था, देखो कि अपने क्वेश्चन में था यहाँ पर कि हमारे पास कोई एक एन भुजा का कोई बहुभुज है जिसके एन माइनस वन पे अपने चार्ज रखे कितने कैपिटल क्यू, तो सब पे रखे होते तो कितना आता इंटेंसिटी जीरो आता, अब एक एब्सेंट है तो एक के कारण कितना फील्ड है उसके ऊपर आपका स्क्वायर होता है, वो इसका आंसर हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं होगा, इसका ध्यान देना है, जो तब होता है सौ रुपए रखा होता तब। तो देखिए सर क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन पूछा है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बोला है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी सही बात है, बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कि पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे चार्ज हमारे पास स्फीयर के लिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम बिल्कुल सिमेट्रिकली बाहर रेडियली निकल रही होती हैं, सेम यहाँ पर आता है, तो ये भी सही बात हो जाएगी, बिल्कुल इनका भौतिक अस्तित्व होता है, ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, काल्पनिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी में हमको दिखे, हमने जस्ट उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उनको हमने माना है, माना इमेजरी लाइन्स है, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, तो रॉन्ग पूछा है इसने, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। ठीक बात है, ये पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड, तो किसमें कार्य ज्यादा अधिक होगा, तो कार्य के बाद जहां पे आ जाती है तो अपन कहते हैं डब्ल्यू, और पूछा है कि ले जाने में कितना डेल्टा यू है, तो कितना क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आपका पूरा है, इस पूरे क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि देखो ए से बी तक ए का वोल्टेज 10 40 10 40 10 40 10 40, तो सबका डिफरेंस कितना है, इक्वल है, तो इसमें वर्टन हमेशा सबका कैसा बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जी मेन का अच्छा प्रश्न है ये, और इसी के बेस पे नीट ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो मेनली कॉन्सेप्ट आपके दोनों में सेम ही रहेंगे। तो क्वेश्चन देखो आपका है कि हमारे पास ये तीन मेटेलिक स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसके इधर रखिए रेडियस ए और ये बी और ये सी, इधर रखा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, और आपसे पूछा है जो इसका बी वाला है सेकंड वाला, उसकी सरफेस पर टोटल पोटेंशियल यानी विभव कितना को आपको फाइंड करना है। अब देखो स्फेरिकल सेल है या कोई जो आपका होता है कंडक्टिंग स्फीयर, तो पहले हम लोगों को चूंकि आवेश नहीं दे रखे हैं, अब दे रखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अपने फॉर्मूले को अपन कर लेते हैं मॉडिफाई किस रूप में, सिग्मा के टर्म्स में। तो आप जानते हैं सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, के अपन जानते हैं कितना 1/4πε0, क्यू कितना आपका हो गया सिग्मा इंटू उसका एरिया, और आर में ऐसे मानता हूं कि मेरे पास कोई आर रेडियस का स्फीयर था, उस पे चार्ज कितना था कैपिटल क्यू या सिग्मा मान लेता हूं, तो उस केस में इसका कितना पोटेंशियल अपन निकाल दें। तो के का अपने वैल्यू पुट किया हमने, क्यू को रखा, आर रखा, इसको सॉल्व किया, तो देखिए ये 4π से 4π पर कैंसिल हो गया और एक आर कैंसिल, तो मेरे पास कितनी सिग्मा पर एप्सिलॉन टू आर आया, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये आ गई सरफेस पर, सरफेस पर अब निकालते हैं इसके आउट वाले पॉइंट पे, मान लो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस में निकाला यहां पोटेंशियल, तो फॉर्मूला कितना KQ/r होता है, KQ/r, क्या देखो आप उसको लिखोगे KQ/r, इसको मैं कैपिटल आर से कर दूं मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, तो ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है कितनी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और इसको केवल आर अपॉन इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ये दोनों हमको याद रहनी चाहिए तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कोई इश्यू है नहीं, आपको निकालना है यहाँ पोटेंशियल, तो ये पॉइंट क्या है खुद का सरफेस, इसका आउटर इसका इनर, तो आउटर इसका आउटर निकालना है, आउटर का मतलब आपको लेना कौन सा फॉर्मूला, ये वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि प्लस का था तो मैंने प्लस कर दिया, और ए क्या है इसकी खुद की रेडियस और बी इसकी यहां से डिस्टेंस, तो इसको अपॉन बी कर देंगे। फिर देखो अगले वाले में ये माइनस का है खुद का, खुद की सरफेस पर पोटेंशियल कितना माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कितना इसका डिस्टेंस कितना बी, इसकी खुद की रेडियस आ जाएगी, प्लस यहाँ इसके सरफेस पे निकाल लो पोटेंशियल वही इसके अंदर होगा, तो सरफेस पे कितना होगा ये चूंकि प्लस का सिग्मा, तो प्लस सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू खुद किसकी रेडियस। अब इसमें से अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचा कौन सा ए स्क्वायर अपॉन बी या माइनस का बी, ये प्लस का सी, और इसमें से मैंने बी ले लिया एलसीएम, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का कितना सी, ये इसकी सरफेस का पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, तो पहला इसमें क्वेश्चन जो है वो हम देखो तो इस तरह से है कि मेरे पास ये डायपोल है माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से हम लोगों ने स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ है वो एफ है। अब कह रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को यहां से आर डेस इक्वल टू 2r डिस्टेंस पे रख दूं, तो अब इससे फोर्स कितना हो जाएगा, तो अपन पहले बात कर रहे थे स्टार्टिंग अपन यहां से की थी F = कितना q * e होता है, q वो चार्ज जिसके ऊपर रखा, तो कर दो यहां कितना कैपिटल q * e, अब e क्या है जहां चार्ज रखा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप जानते हैं कि जो डायपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना 2kp/r³ हम गोट कर लो करते हैं, यहां e जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये है 1/r³, जब e यहां पे 1/r³ पे डिपेंड कर रहा, तो फोर्स भी कितना डिपेंड करेगा, फोर्स भी हमारे पास F प्रपोज टू 1/r³³ आ जाएगा, r को डबल करने पे फोर्स आपका 1@ दे जाएगा, तो इसका आंसर आपका 4th बनेगा। नेक्स्ट देखो सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बोला है कि एक विद्युत चुंबक के क्षेत्र A की बल रेखाओं के अवलंबत है, एक क्या है हमारे पास एक द्विध्रुवीय गोल रखा है, अब इसको 180 डिग्री घुमाना तो किया गया कार्य क्या होगा, तो बेसिकली डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास माइनस पी कॉस थीटा, राइट। अब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल जब ऐसे रखा है, ठीक है,
जब इसको मैं 180 घुमा दूंगा तो इसका अरेंजमेंट डाइपोल का जस्ट अपोजिट में इस तरह से हो जाएगा। और हमें निकालना है किया गया कार्य, मतलब बाह्य कारक द्वारा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारे पास होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इनिशियली अगर मैं देखूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। बाद में भी अगर देखो तो ई और पी के बीच का एंगल ये 90 लिया जा सकता है, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो। तो चेंज कितना आया जीरो का, तो वर्क भी कितना हो जाएगा जीरो। बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे हम लोगों ने इससे किसी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वाले एंगल पे को डायपोल है वो अपन ने रखा है, तो डायपोल मोमेंट आपका भी इस तरफ हो गया। ऐसी स्थिति पे इसमें जो टॉर्क लगता है वो अपन जानते हैं, टॉर्क हमारे पास होता है पी ई साइन थीटा। साइन थीटा साइन कितना 30 कर दूं, और ये टॉर्क इज इक्वल टू पी हमारे पास है क्यू इनटू मैं कर दूं मान लो 12, ये दोनों बीच की डिस्टेंस होती है इनटू ई और ये आपका साइन 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है इसका चार्ज कितना है, टॉर्क ये डिस्टेंस अब इधर रखिए इधर रखा है एंगल अपन जानते थे इसलिए क्या वैल्यू पुट करना है, वैसे क्वेश्चन आप आराम से खुद ही कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये भी कह रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्वेश्चन बहुत इजी है पर ये नीट पूछा क्वेश्चन है, इसलिए बातों को ऐसा नहीं कि अपन हवा में रहे और हल्के क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे नहीं। तो वैसे क्वेश्चन आपका है कि क्यूब दे रखा है हम लोगों को और इस क्यूब के सेंटर पे हमने कोई चार्ज रखा है क्यूब, तो इसे कितना फ्लक्स होता है, तो ये चार्ज पूरा इसमें इंक्लोज है, तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका कितना समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंक्लोज करके हमारे पास स्मॉल क्यू ही तो है, इसलिए इसका आंसर आपके ऊपर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बट इसमें पूछा जो है इसके फलकों में से एक फलक से बारी तो 1/6 हो जाए क्योंकि सेंटर पे रखा है सिमेट्रिक के, तो हर एक फेस से जो है फ्लक्स वो इक्वल जाएगा, जब सबसे सेम जाएगा 6 फलक है टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो हर एक फ्लक्स का हो जाएगा क्यू बाई 6। बिल्कुल इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज स्मॉल क्यू कूलम एट इट्स सेंटर। ये हमारे पास से कोई सिलेंडर है देखो इस तरह से और इस सिलेंडर के सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रखा है, तो गॉस लॉ से पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस एक गॉसियन सरफेस बन गई वो इसको इनक्लोज करे हुए, जिसमें एक सरफेस मान लो ए है ये सरफेस आपकी बी है और इसको अपन सी मान लो, ठीक है, या एज ए पर्सन के अनुसार ए इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर बी और ये कौन सी आपकी सी, चार्ज सेंटर पर रखा है तो सिमेट्रिक बॉडी जितना प्लस इससे पास होता है इससे पास होना है, तीन तरह के सरफेस तो कर दो इसको फाइव ए प्लस कौन सा फाइव बी प्लस कौन सा फाइव सी, वो क्या है टोटल इस सरफेस से, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब जो सिमेट्री से फाइव ए और फाइव सी आपके बराबर है तो इस ऑर्डर में 2 5 a प्लस कौन सा 5 आपका b इज इक्वल टू कितना q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको 5b का दे रखा है वैल्यू, यानी कि कर्व सरफेस से फ्लक्स पास होता है वो दे रखा है 5, इसको अपन कर दें यहां पर 5 कर दें, तो आपको पूछा 5a तो इसको इधर ले गए अपन माइनस कर दिया 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप आंसर इसका आ जाएगा जो कि कौन सा होगा फर्स्ट, इसका आंसर आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर बेसिक क्वेश्चन देखो ये दे रखी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास एक स्क्वायर सरफेस, इस स्क्वायर सरफेस का एरिया का साइज के ठीक नॉर्मल, तो एरिया इसका अपवर्ड, ये आपका इस तरफ एंगल कितना 90 तो प्लस कितना 0, ये प्लस अपन जानते हैं 5 इक्वल कितना होता है आपका ई इनटू ए और कॉस थीटा, थीटा यहां पे 90 होने से प्लस कितना पास होगा इससे 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर भी पूरा खेल डायरेक्शन का है, ठीक है, तो ध्यान दें इस क्वेश्चन में कि तीन आवेश हैं माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू और उनको एस जो डायग्राम दे रखा है उसके अनुसार रखा हुआ है, आपसे कह रखा है इसमें कि माइनस क्यू जो है ये कह रहा है कि माइनस क्यू पर बल का एक्स घटक किस पे डिपेंड कर रहा है वो अपने को यहां पर बताना है, तो देखो इस पे माइनस क्यू पे आपको फोर्स देखना है, तो इसमें फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है माइनस का क्यू थ्री और प्लस क्यू टू और ये सेपरेशन देखो बी है ये कितना आपको दे रखा है ए, तो अगर मैं इसको यहां देखूं तो देखिए इस एंगल के थीटा होने पर ये वाला एंगल कितना थीटा होगा, कोई इशू नहीं है। अब ये माइनस और माइनस का क्यू है आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्यू थ्री इस माइनस क्यू वन को रिपेल करेगा तो ये फोर्स आपका हो गया इस तरफ, इसको अपन लिखें तो कितना वैल्यू है के क्यू वन इंटू क्यू थ्री अपॉन इनका सेपरेशन है ए स्क्वायर
और ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, अट्रैक्शन फोर्स होने पे ये फोर्स आपका आ गया, इसको मान ले अपन एफ, कोई एफ डैश मान लेता हूँ इसको, और ये हमारे पास इनके बीच कितना है के, और क्यू वन इंटू क्यू टू बाई बी स्क्वायर। ये तो आपसे इतना पूछा है कि इसमें जो फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई से कोई लेना नहीं है, इसके अपन करते हैं घटक, जो थीटा के अलोंग चिपका हुआ घटक कौन सा, कोस होता है, ये तो कोस, ये साइन आ गया, यानी इसको अपन यहाँ इस वाले को अगर मैं एफ कर दूं तो ये हो गया आपका एफ डेस, यानी सिंपल अपन कहते हैं तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ जो ये वाला इसका कोस कंपोनेंट, सॉरी ये साइन थीटा प्लस कौन सा हो गया आपका, ये एफ डेस, तो एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा प्लस एफ डेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एफ साइन में एफ तो कितना है, एफ हमारे पास था ये k q1 q3 upon a square, और इसमें कौन सा k q1 q2 upon b square, इसमें से देखो k q1 अपने पास कॉमन है, तो k q1 को अपन कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद वो शेष हमारे पास क्या रहना है, यहां तो शेष रह गया तो कितना q2 upon b square, तो q2 upon b square plus कौन सा q1 upon a square, और साथ में कौन सा sin theta, इस टर्म के प्रोपोर्शनल फोर्स आपका बन जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा सर, q2 upon b square plus कौन सा q, q3 upon q3, q3 upon a square into sin theta, आंसर आपका बन जाएगा। तो काफी क्वेश्चंस थे, 90 क्वेश्चंस थे, 90 क्वेश्चन के साथ तो अगर आप खेलते हो तो निश्चित मान के चलिए दोनों टॉपिक आप बहुत शानदार आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है सर, तो बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा ये, इसको आप एंजॉय करें और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आप स्टडी करें, और इसी के साथ मैं और मेरे साथी निशांत सर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू, जय सीएलसी, थैंक यू।